हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पी वी आर स्टडी में। मैं राजकुमार दुवंशी, आपकी शून्य से शिखर तक मैथमेटिक्स की क्लास के साथ आज एक नई और फ्रेश क्लास आपके लिए। पिछली क्लास में आपने देखा था कि दशमलव का जोड़ना हमने सीख लिया था, आज हम सीखेंगे दशमलव का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। बहुत ही ध्यान से देखना, केयरफुली देखना। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है और इसी की वजह से आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट वगैरह रुक रहा है, तो भैया काहे लिए रोक रहे हो, जीरो लेवल से सीख लो ना, कुछ दिन में बस आने लगेगा सब कुछ। चलो देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक ना। और जान दो या जाने दो या जान दो, इस मतलब इस लाइन को समझ के चलना। चलो घटाना है, हम सबसे पहले ये नंबर लिख लेंगे जो पहले लिखा है 9.52। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जोड़ने में करते थे डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद आप पाओगे कि 5 और 9 है। क्या है? 5 और 9 है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चा लोग कि ये तो भैया घटेगा कैसे, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 0 लिख दो। हाँ ठीक। अब देखो, ये 2 में से तो 9 घटेगा नहीं। आपने बचपन में ये मैटर पढ़ा होगा, इस तरह से कोई सवाल करा होगा कि जब ऐसे होता था तो कैसे करते थे, पढ़े हो ना हासिल वाला। इसमें से एक उधार लेते थे, पड़ोसी को देते थे, पड़ोसी उनको देता था, फिर ये अपना काम कर लेता था। तो ये 12 में से 9 जाएगा 3, ये एक उधार इसको दिया, एक गरीब हो गया बेचारा, इससे ले लिया, तो 14 बन गया, 14 में से 5 गया, 9 आया। हाँ, और ये एक उधार दे दिया था, इसके पास भी एक कम हो गया, पहले से ये गरीब था, लॉकडाउन में इसका रोजगार बंद हो गया था, तो ये 8 बचा था, 8 में से 1 गया, 7 आया, मतलब कितना हुआ, समझ में आया ना। वैसे इसमें भी होगा, ये क्या करेगा, इससे उधार लेके इसको देगा, तो ये 12 बनेगा, 12 से 9 जाएगा तो 3 आएगा, ये बचा है 4। अब 4 से तो 5 घटेगा नहीं, ये क्या करेगा, पड़ोसी से मांग लेगा, अबे भाई मुझे दो ना, मैं तुमको लॉकडाउन के बाद दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, कसम से दे दूंगा। उसके बाद क्या किया, इसको 1 दिया, ये 14 बन गया, 14 से 5 घटा, कितना आया, 14 में से 5 गया तो कितना आया, 9। हाँ 9 आया ना। अब ये देखो, एक उधार दिया इसको, ये भी एक घाटे में चला गया, ये कितना बचा, 8, यानी 8.97। आप इसको व्यवहारिक ज़िंदगी में समझ लो कैसे, ये है 9 रुपये 52 पैसा। पैसा तो ज़्यादा समझते होगे, जोड़ घटाना चाहे कम ही समझो, क्योंकि एक अनपढ़ गवार आदमी भी पैसे का हिसाब किताब कर लेता है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो। अब देखो, 9 रुपये 52 पैसा, और ये कितना है बच्चा, ये है 59 पैसा, मतलब वो 52 पैसा था, ये 59 पैसा है, उससे 7 पैसा ज़्यादा है। तो अगर ये 52 पैसा होता नीचे, तो 52 पैसा से 52 पैसा घट जाता, पूरा 9 रुपया बच जाता, लेकिन ये 59 पैसा मतलब 7 पैसा 52 से और ज़्यादा था, तो ये क्या किया, 9 में से भी 7 पैसा निकाल लिया, तो 93 पैसा बचा है। 93 में 7 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और जहाँ 100 हुआ तहाँ 1 रुपया हो गया, 1 रुपया जहाँ हुआ तहाँ फट से ये 8 की जगह 9 हो गया। आगे बात समझ में ना, ये है दशमलव का घटाना। क्लास को एंड तक देखना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, जल्दी से इसको सुधारिए और फट से करिए, जिससे कि आप सीख सकें। और बगल में बेल आइकन आएगी, उसको भी बजा देना, और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। अगला क्या है, इसमें जो दिया गया पहले उसको लिख लो जल्दी से, प्यार से जो भी है जैसे भी है उसी अवस्था में लिख लो, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी बदलाव के। हो गया, अब क्या करोगे, अब वही करना है जो आप पढ़ते आए हो अभी तक, बाकी नया कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के राइट, ये क्या बोलते हैं इसे, राइट साइड हम देखेंगे 9.25 है, कितना है 9.25, ओके। अब अगर आप राइट साइड तो देख लिए, लेफ्ट साइड भी देखो, तो ओनली सुनना था, बस इसी को घटाना है। आप कहोगे ये तो ऐसे जैसे लग रहा है पहाड़ पे लटका है, तो इसके नीचे सपोर्ट लगा दो 0 का, गिरने ना पाए नीचे को, बस खुश, चलो हैप्पी ना। अब देखो, 2 से तो 5 जाएगा नहीं, इसमें से एक उधार लेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 7। अब आगे कहानी कैसे होगी आप समझ सकते हो, ये क्या बचा है 2 से 2 गया तो 0। अब देखो, 0 से तो 9 सबट्रैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे समुदाय के हैं, उधार विधार नहीं लेंगे, उधार विधार चलता है सबके यहाँ से, ठीक है, वैसे भी टाइम उधारी का चल रहा है, तो इसमें से क्या होगा, इसको एक उधार देगा, तो ये थोड़ा सा तगड़ हो जाएगा, जो 0 था ना ये 10 बन जाएगा, फिर कहेगा अब तो मैं तुमको भी दे दूंगा बच्चा, ले लो जो लेना है, तो क्या करेगा, इसको 1 दे देगा, इसमें से घटा देगा, तो ये कितना बचेगा, 1, यानी 10 में से 9 गया तो 1 बचा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो बता देना, इसमें से इसको उधार दिया था, ये बेचारा बराबर हो गया था, न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये 0 बचा था, इसमें से कुछ नहीं घट रहा था, तो ये उधार दिया 10 बन गया, थोड़ा तगड़ हो गया, इसका मुकाबला कर लिया, बना गया। अब ये 1 दे दिया तो ये भी 1 क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, ये 2 बचा है, और ये किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, साधु संन्यासी है, बाबा जी हैं एकदम,
तो इनको जैसे हैं वैसे के वैसे नीचे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया, लेकिन आपने तो सारा सत्यानाश कर दिया। क्यों? क्योंकि दशमलव तो लगाया ही नहीं, यही तो इसका मेन पॉइंट है। जैसे शादी करने चले जाओ, दूल्हा घर छोड़ दो तो क्या होगा? शादी का किसकी होगी और कैसे होगी? अब वो अलग बात है भाई, कोई दूसरा सेट कर ले। तो कुछ भूल गए कुछ याद रहा, अभी तो इसमें सब कुछ याद करना है। अब आप लोग बताइएगा क्या भूल गए क्या याद रहा, क्या सोचते हैं आप? होती हैं बहुत सी बातें जो याद रहती हैं, बहुत सी बातें जो भूल जाती हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो नहीं भूलना चाहिए। इनको क्या करना है? घटाना है। अब इनको भी वैसे करोगे जैसे मैं बताते आया हूँ। अब कहो तो मैं इसको हराई फंदा देता हूँ, आगे खेत आप जोत लेना। जानते हो पहले बैल से खेत जोता जाता था, हम भी खेत जोते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते थे तो बहुत मज़ा आता था, शौक भी लगती थी। मतलब आप जानते हो ना कि हम लोग भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिससे हमारी 53% जनता बिलोंग करती है भारत की। तो उसमें क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लो। इसको घटा लोगे कि नहीं? घटा लोगे ना इसको? देखो इसी को कहते हैं क्या, मैंने कहा ना कि हराई फंदा दूँ तो आप खेत जोत लेना आगे। मतलब लिखने वाला ये थोड़ा मुश्किल था। उसमें क्या होता था ना यार, वैसे तो काला ये क्लास है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं आपको बता दूँ। आप लोग में से काफ़ी लोग तो बैल देखे ही नहीं होंगे खेत में कैसे जोतते हैं। उससे दो बैल होते हैं, उनके बीच में एक हल लगाया जाता था, लोहे का होता था, और जब वो दोनों चलते थे आराम से तो वो मिट्टी इधर उधर होती जाती थी, बहुत अच्छी मिट्टी बनती थी, बहुत अच्छी फसल होती थी। लेकिन आजकल ज़माना जो है टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया कि खेत की जुताई भी सही से नहीं होती है, इस कारण से उपज पे भी असर पड़ता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अच्छी मशीनें भी आई हैं जो काफ़ी उससे अच्छा काम करती हैं, कम समय में करती हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे तो बैल बेरोजगार हो गए हैं, वो घूम रहे थे उधर कुत्ते जैसे। नहीं तो पहले बैल की सेवा लोग अपने घर के बेटों की जैसे करते थे, गार्जियन लोग। अगर आपको याद हो, कोई बुजुर्ग हो तो उनसे पूछो, उनको कैसे खिलाया जाता था इतना अच्छे से, और उनकी बहुत सेवा की जाती थी जिससे कि वो अच्छा मेहनत कर सकें, काम कर सकें। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, चारों तरफ लाठी डंडे खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब उनकी कोई कीमत ही नहीं है। नहीं तो 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बैल बिकते थे। होता है साहब, जमाने ज़माने की बात होती है, पुरानी चीज़ें बदल दी जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। वैसे इसको भी क्या करोगे, सबट्रैक करना है। इसको मैं लिख दूँ या ना लिख दूँ? देखो ये 251 डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगा लो, उसके बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद 5 है फिर 9 है। एक बात याद रखना, ये 1 अकेले बच रहा है, इधर साइड में मत लिखना। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके पहले क्या है, 2 है और ये 3 है। देखो थोड़ा सा उलझा सा लगेगा ये, लेकिन ये सही है, हकीकत यही है। आपको ऐसे ही घटाना है इसको, जहाँ कम लग रहा वहाँ 0 लगा लो, वो चलेगा, लेकिन करना ऐसे ही, ठीक है? तो मैं आपको जो बैल की हर की कहानी बता रहा था, हम लोग 7-8 में पढ़ते थे तो कभी कभी जाते थे तो पापा लोग खेतों जोतते थे, वैसे बहुत कम ही करते थे वो, तो देखते थे तो मुझे लगता था यार मैं भी थोड़ा ट्राई करूं, मज़ा आएगा। लेकिन वो कभी देते नहीं थे, कहते थे भी तुम छोटे हो, दूसरा नंबर बैल के वो फारवर लग जाएगा। लेकिन जब वो चले जाते थे कहीं, और घर पे अगर हम अकेले रहते थे तो कभी कभी हम जुगाड़ लगा लेते थे कि चलो जब तक आएंगे तब तक हम खेत जोत के आ जाएंगे, और आने के बाद मार भी पड़ती थी, काय लेके गया और दूसरा नंबर कहीं हर जुगाड़ टूट गया। तो एक बार बैल के पैर में लग भी गया था, वो चुभ गया था। तो होती हैं बचपन में कुछ चीज़ें इंटरेस्टेड कि हाँ करने में अच्छा लगता है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। कहते हैं ना एक क्रिएटिव माइंड होता है, क्रिएटिव माइंड का मतलब ये नहीं कि कुछ विशेष चीज़ें करना, कुछ भी करना, बस नया करने की एक आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई भी होती रहे और जानकारियाँ भी मिलती रहे। इनको तो आप कर लोगे ना, ये होमवर्क है मान लो। चलो कहते हो ना होमवर्क नहीं देते, ये होमवर्क है, लिख लो फटाफट, ये होमवर्क है। होमवर्क के रूप में हम आपको कुछ और भी दे देंगे, याद रखना, प्रैक्टिस इसी क्लास में करवा देंगे, आपको दोबारा कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। कुछ छात्र क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि ये प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसके लिए किताब कौन सी खरीदें? तो भैया इसके लिए कोई किताब नहीं बनी है अलग से, ये सब दिमाग में किताब बनती है। क्योंकि किताब खरीदोगे, किताब में ये मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर वाली बात नहीं मिलेगी। फिर आप पूरा जंगल छानोगे तो कहीं 2 पेड़ मिलेगा, यानी पूरी किताब में थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाएगा। जो जो आपको काम का सीखना है वो मैं इसमें आपको सिखा दूंगा, क्योंकि वैसे अगर आप किताब पढ़ोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ, आपको केवल मतलब मुख्य मुख्य चीज़ें दे रहा हूँ। जैसे आप कहो ना कि दूध में से घी निकाल के दे रहा हूँ, बाकी मट्ठा और जो उसमें का इधर उधर चीज़ें हैं वो मैं निकाल के अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, होमवर्क है, जल्दी करो फटाफट, इनको फटाफट नोट करिए।
30 सेकंड के अंदर नोट करिए, आपके लिए होमवर्क है जिसमें आपको जोड़ना और घटाना करना है। जो ब्लू कलर में लिखा गया उसको जोड़ना है, जो रेड कलर में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं घटाना है। देखो एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, क्वेश्चन कुछ नया लग रहा होगा, आपका दिमाग घूम रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सूचित कर देना चाहता हूँ। साइड में देख लो, अगर आपको 98 से बच्चा लोग घटाना है 0.59 ना, तो आप एक काम करोगे, कहते हैं ना दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ती है, भैंस पालना है तो उसके लिए भैंस बनना पड़ता है, मतलब कीचा बोदा लगाना पड़ता है, तो क्या करोगे, इसको दशमलव वाले से घटाना है तो पहले इसको दशमलव के रूप में बनाना पड़ेगा। यानी ये 98 को आप 98.00 लिखोगे, अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 5 लिखोगे, अब इसको आप घटाओगे, जीरो यहाँ लिख लो, यहाँ जीरो लगा दो, वो ठीक है, समझ में आया ना। नहीं ऐसे घटाओगे तो आपको लगेगा ये तो उलझा पुलझा लग रहा है यार, 98 से वो कैसे घटेगा, उसमें दशमलव उसमें है नहीं, तो दशमलव हर किसी में होता, चूंकि ये दशमलव संख्या ही है, इस तरह से ये 5 हो जाएगा और ये पॉइंट रहेगा ये 7 और ये 9। यानी आप यहाँ से व्यवहारिक रूप में भी समझ सकते हो बच्चा लोग कि 98 रुपया से अगर 50 पैसा घटाओगे तो 97 रुपये 50 पैसा आएगा। बात समझ में आ गई ना, जल्दी से फट से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसा कि दशमलव का गुणा, नाम से थोड़ा सा बड़ी अजीब सा लगता है कि भैया ये गुणा तो आता है लेकिन दशमलव लग जाता है तो ये बड़ा कट्टर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको 3 का गुणा करना आता है 4 में और आप जानते हो कि बच्चा ये 12 होता है 12 होता है तो आप सब कर लोगे, ये हमारी गारंटी है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, धरती पर जितने करोड़ों अरबों खरबों प्राणी हैं ना उनमें से इंसानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसको भूल जाते हो क्या आप लोग, जानते हो ना। तो चलो फिर 5 का क्या करना है, 5 पे मल्टीपल करना है लेकिन इसमें एक दशमलव लगा है, क्या लगा है, दशमलव लगा एक अंक पे, इसको भूलना नहीं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ बड़ा गड़बड़ करने वाला हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से दशमलव मिटा दिया, अब क्या है, अब तो हो गया आसान वाला, हाँ 5 5 25, आप सभी जानते हो 25 आ गया, बहुत ईजी है। लेकिन अगर ऐसे हटाने से काम चल जाए तब तो फिर एग्जाम में सब मतलब है बदल दें, क्वेश्चन अपने आप चेंज कर लें, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो बच्चा लोग हम क्या करेंगे, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी हटेगा ये। अब देखो कैसे कहता है, ये गुणा तो हो गया, आएगा तो इतना ही, इसमें 1 डिजिट पे पॉइंट है राइट साइड, मतलब इसकी साइड ऐसे खड़े हो हाथ फैला के जहां आपकी कॉपी है, जो दाहिनी साइड पड़े दशमलव की, उधर से गिनो कितने अंक है, एक ही है ना, 5 है, एक है ना, एक है, यानी जो उत्तर आया उसमें एक अंक पर दशमलव लगेगा, और पीछे से गिनना है, पीछे से मतलब जान रहे हो इधर से, तो एक अंक मतलब यहाँ दशमलव लगेगा, ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया, है ना, कितना आसान है ना, बहुत मज़ेदार है ना। उसी तर्ज पे इसको भी कर लोगे, अगर मैं इसमें से दशमलव को निकाल फेंकता हूँ तो आप कहोगे तो बड़ा मज़ेदार है, पहाड़ा तो हमें गुरुजी पहले याद कराए थे 12 3 36 होता है ना, 12 3 36 होता बच्चा, होता है ना, इसको आप कर लोगे, लेकिन यहाँ दशमलव एक अंक पे लगा था तो यहाँ पे एक अंक पर दशमलव हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से सारे सवाल आप कर लोगे, पूरे जोश के साथ बोलोगे हाँ हम कर लेंगे, कर लोगे ना। अब देखो आगे, इसी तरह से अगर हम इसमें बात करें, आप इसको खुद से करके फटाफट जल्दी से आंसर बता दो, मैं नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ छोटू मोटू जो भी हैं सब, चुन्नू मुन्नू क्यों कमेंट नहीं कर रहे हो जी, लाल टोपी वाले, मैं देख रहा हूँ आप कहाँ बैठे हो, किस अवस्था में बैठे हो, बता दूंगा सबसे। क्या आप लोगों को लगता है कि हम जानते नहीं क्या, ऑनलाइन क्लास लोग कैसे देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, लेकिन ये अलग है, इसकी जो कहानी अलग है, ये चैप्टर सेकेंड है इसका। अब देखो कैसे, आप कहोगे इसमें कौन नई बात है, इसमें नई बात है, इसमें दशमलव यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें देखो एक ही जगह दशमलव था, तो इसमें कुछ नया नहीं करना है आपको, दशमलव भूल जाना आँख बंद करके, मान लो कि हमें यहाँ दशमलव लगा ही नहीं है, मैं इनको यहाँ पे मिटा देता हूँ चूँकि इनकी कहानी ख़त्म हो गई, अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो पीछे करके लिख लो, ठीक है। तो बच्चा लोग इधर ध्यान दो, अगर हम मान लें कि 12 है और ये क्या है 5 है, हम इसको मान लेते हैं क्योंकि मैथ में बहुत माना जाता है, तो ये 12 5 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, इसको सभी जानते हो जग जाहिर है, तो हमने यहाँ क्या किया 60 लिख दिया। लेकिन अब मुसीबत क्या है कि यहाँ दशमलव दोनों पे लगा है, एक अंक पर यहाँ लगा, एक अंक पर यहाँ लगा है, तो बच्चा लोग एक और एक आप जानते हो 2 होता है ना, एक एक मिलके 2 हो जाते हैं और दोनों मिलके फिर एक हो जाते हैं ना, मतलब कितने हो गए 2 ना, तो यहाँ पे 2 अंक पर हमें दशमलव लगाना है, 1 2, आप कहोगे 2 ही गिनती तो है, फिर 2 अंक पर दशमलव कहाँ लगाओगे, सिंपल सी बात है यहीं लगाएंगे,
टिक देंगे यहाँ पे, इसके आगे एक जीरो बढ़ा लो चाहे दो जीरो बढ़ा लो कोई मतलब नहीं है, 0.60 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। आप इसको लिखते चलो कॉपी में बच्चा लोग, ठीक है। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वो बेल आइकन जो बगल में घंटी का निशान आता है ना उसको एक बार ज़रूर दबाना, और उसके बाद क्या करना, उसमें तीन ऑप्शन आ जाएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ऊपर वाले पे। इस तरह से आप मैथमेटिक्स घर बैठे सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको एक काम करना है, इस क्लास को अपने साथियों में कम से कम तीन लोगों में शेयर करना है। मैं पाँच नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप में एक बार में पाँच लोग के पास जाता है, लेकिन आप सिर्फ तीन को भेजना बस। इतना करोगे तो मैथ आप सीख जाओगे, हमारी पूरी गारंटी है। और गारंटी हम ऐसे लेते नहीं अरे गरे की, ठीक है, जो सही होता है बस उसी की गारंटी लेते हैं। इस तरह से आप क्या करोगे बच्चा लोग, थोड़ा हाई कर देंगे ज़्यादा तो आप कहोगे ये तो बड़ा गड़बड़ है, पाँच हो गया ना, सवाल नंबर पाँच, ये सवाल नंबर छः। बहुत ध्यान से समझो, इसमें कई कंडीशन होती है, अभी इसी में माठा की तरह मिटाएंगे, देखो कैसे, मतलब समझना, अभी जो मैं बोला उसका मतलब बताऊंगा। पहले इसका गुणा करो, 12 का गुणा करो 95 में, दशमलव भूल जाओ, 12 पंचे 60। अब भैया जिनको पहाड़ा नहीं आता वो कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बीमारी है, लाइलाज नहीं इसका इलाज होता है, हम ट्रिक बता देंगे आप पहाड़ा याद कर लोगे। 20 तक पहाड़ा कम से कम आना चाहिए, कम से कम 12 पंचे 60 हासिल 6 और 12 नवैया 108, 108 6 114, यही होता है ना, गुणा करके देख लो, 12 पंचे 60 हासिल आया 6, नौ दूना 18, अनुकम 9 एक 10, 108, 12 नवैया 108, 8 6 14 होता है ना, 8 2 10 4 14, ठीक है। देखो एक अंक पर यहाँ दशमलव है, एक अंक पर यहाँ, मतलब दो अंक पर दशमलव लगेगा, एक दो यहीं बीच में दशमलव सेटल हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप कितना इजी तरीके से कर सकते हो ना, दशमलव वाला कर सकते हो ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, ये 0 0 1, यही तो अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है, एग्ज़ाम में यही मार डालता है। हाँ बस यही सा सवाल एग्ज़ाम में मिल जाता है, उसी में आप लोग लटक जाते हो, उलझे रहते हो, उलझे पुलझे रोते रहते हो, देखो कैसे होगा ये भैया, है ना, कितना आसान है, मज़ेदार है कि नहीं। और क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो जी, कौन से ज़माने की दुश्मनी है, अगर मैथ सीखना है तो लाइक कर दो ना एक बार, अंगूठे का निशान दबा के फटाफट। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। देखो इसका मल्टीपल करना है, कहोगे इसमें तो इतना सारा सुनना लगा है क्या करें हम, दिमाग ही चक्कर आ गया, कोई बात नहीं, आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ गिनती ढूंढो बस, इसमें दो लिखा है, इसमें क्या लिखा है, एक लिखा है। इनका गुणा करना आपको बहुत बचपन में ही आता है, 2 एकम 2 होता है ना, इसका फाइनल में उत्तर जो है 2 आएगा बस, बाकी कुछ नहीं आएगा। आप कहोगे ये तो बड़ी जल्दी कर दिए, नहीं अभी जल्दी नहीं हुआ, अभी और भी करना है इसमें, वो क्या है देखो, हमें अब ये देखना है कि दशमलव कितने अंक पर लगे हैं, गिनो 1 2 3 4 5, कितने यहाँ पर, 5 यहाँ पे, कितना 1 2 3, कितने पर, 3 पर, यानी 5 3 8। हमें यहाँ भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऐसे छुटकारा नहीं मिलने वाला, इंडिया है ये, किसी चीज़ से छुटकारा जल्दी नहीं मिलता यहाँ पे। तो कितना होगा, 8 अंक पर दशमलव लगाना है, यहाँ पे एक अंक पहले से मौजूद है, हमारे पास 7 की भारी कमी है, जिस तरह से भारत देश में इस समय पैसों की बहुत तेज़ कमी है, सारे रोजगार धंधे बंद हो गए हैं, लगभग 12 करोड़ मतलब लोग क्या हुए हैं, लॉकडाउन में बेरोजगार हुए हैं, अब उनको रोजी रोटी के लिए कहीं कोई जतन नहीं है। इस कारण से आप बिजनेस अपनाइए, नौकरी के भरोसे मत बैठिए, कुछ भी करिए, सरकार के पास खुद पैसा नहीं है, RBI से करोड़ों रुपये कर्जा लिया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो देखिए, तो 8 अंक पे दशमलव लगाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चा लोग, क्या करेंगे, 7 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, ये मैथ सिखा रहा हूँ, इसके लिए मत टेंशन लेना, ये हर जगह काम आएगा, कुछ भी करोगे, बिजनेस करोगे वहाँ भी मैथ आनी चाहिए। कितने देखो, 3 8 है, हुआ कि ज़्यादा हो गया, 3 3 6 1 7 8, 8 हो गया ना। अब यहाँ पे आप दशमलव टिक दो, यहाँ पे लगा दो 0, ठीक है, बात समझ में आई ना, इसका आंसर कैसे आया, कितना मज़ेदार आया ना, ये मरकरवा हमारा चल नहीं रहा भैया, पता नहीं इसमें कौन सी बीमारी हो गई, ठीक ना, आ गया समझ में, कैसे हो गया, समझ गए ना पूरी बात। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखो बच्चा लोग ये 6 हो गया, 7वां सवाल देखते हैं, 7वां सवाल यहाँ पर देखो इधर साइड में क्या है, बहुत ही ध्यान से देखो, 0.251 इंटू 0.001, कितना आसान है ना,
आज के बाद दशमलव का गुणा कभी नहीं भूलोगे। बड़े बड़े सवाल भी ऐसे किए जाते हैं, गुणा करते हैं या फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने और घटाने में दशमलव में कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन गुणा करने पर हमेशा दशमलव की संख्या में बदलाव हो जाता है। इसमें देखो तो सिर्फ वन है, इधर साइड में हमने पढ़ा है कि वन में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं हमेशा क्या आता है, वन ही आता है। हाँ, तो कितना होगा ये टोटल का मल्टीपल कर लो बच्चा लोग, ये 251 आएगा। कितना आएगा, 251 आएगा, 251 आएगा। लेकिन अब ये 251 नहीं है, देखो कैसे, यहाँ पे तीन अंक पर दशमलव है, यहाँ पर तीन अंक पर है, तो हमें टोटल 6 अंक पर दशमलव लगाने हैं। कितने पर लगाने हैं, 6 अंक पर लगाने हैं। हमारे पास तीन अंक है तो हम 6 अंक बनाएंगे, तीन जीरो बढ़ाएंगे, तीन सुनना खुद से बढ़ा लेंगे, 6 अंक हो गया टोटल। अब गिन लो, यहाँ पर डेसिमल रख दो या जीरो एक बढ़ा दो आगे, ठीक ना। ये जीरो क्यों बढ़ाया जाता है, एक प्रकार से मोटी मोटी बात ये समझ लो कि जैसे अगर मैंने कहीं लिखा है 05 लिखा है तो आप कहोगे, दूर से देखोगे या वैसे भी लोग एक बार में नहीं समझ पाएंगे पॉइंट लगा है, लोग क्या कहेंगे ये 5 लिखा है बस। दशमलव को लोग अनदेखा कर देते थे, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ सुनना लगा रहता है तो लोग देखते हैं कि हाँ दशमलव लगा है। कैसे, जैसे सड़क पे कहीं टूट जाती है ना आजकल इंडिया में, तो बीच में क्या करते हैं लोग, झांकर गाड़ देते हैं या कोई लाल कपड़ा रख देते हैं किसी चीज़ पे, लगता है हाँ वहाँ सड़क टूटी है ना। तो बस वैसे ही इसको लाल कपड़े की तरह समझो जीरो को, समझ गए ना। लेकिन हाँ, इसको मैं मजाक में बता रहा हूँ, इसका वास्तविक मतलब और होता है जब भाग करते हैं, तो वहाँ पे आपको मैंने सिखाया था, ये तो मैं आपको समझा दिया इस तरीके से मज़ेदार, जिससे आप समझ जाओ भूलो नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम सब अपने मुख्य कदम की ओर चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे दशमलव का भाग, यानी कि डिवीजन ऑफ डेसिमल। इसमें हम क्या करने वाले हैं वो आपके सामने ही दिखेगा, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही प्रेम पूर्वक देखना, है ना। देखो, चाहे हम बोलें भाग और चाहे हम बोलें अनुपात, समझो बातों को, और चाहे हम बोलें भिन्न, इनका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से घोर घुमाए वही एक ही होता है। कैसे, जैसे अगर हमने लिखा 4 भाग, इसको भाग करना है 3 से, हाँ ठीक, और अगर मैंने लिखा 4:3 और अगर मैंने लिखा 4/3, तो इनका मतलब तो एक ही होता ना हमारे समझ से। अब बताओ कमेंट करके, एक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अरे भैया अनुपात वाला इसको ऐसे पलट दो, तो फिर इसी तरह हो जा रहा ना लगभग, मतलब फाइनल में इनका मतलब एक ही हुआ ना, होता कि नहीं, बोलना यस या नो, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखो हमें क्या करना, दशमलव का भाग करना है। तो जो ये भाग वाला मामला है ना, ये जो भाग वाला है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं भिन्न के रूप में कर सकते हैं ना, तो वही हमने क्या किया, ऐसे कर लिया। लेकिन अब ऐसे करने से थोड़ी काम चलने वाला, पलट दिया बस हो गया, नहीं, नाम बदलने से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है। वो देखो मैं काम करके दिखाता हूँ कैसे, इधर साइड में देखो, मतलब भाग से दशमलव में चेंज कर दो या फिर भिन्न में कर दो, इससे काम नहीं होगा। इसमें दो बीमारी है, दो बीमारी मतलब क्या क्या है, एक तो हमें भाग करना है, दूसरा इसमें दशमलव पहले से लगा है। तो हम पहले ये कोशिश करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। अगर दशमलव हटाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताएं या विस्तार में, खुद ही कन्फ्यूज हैं आपको थोड़ा, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 50। आप लोग ऐसे समझते होंगे या नहीं समझते हो, हाँ। ऊपर अगर एक अंक पर दशमलव लगा है तो नीचे क्या होता है, एक जीरो बढ़ जाता है तो ऊपर का दशमलव हट जाता है। ये आता कैसे, यहाँ साइड में देख लो, अगर 2.5 लगा है, नीचे क्या है, 5 है, तो इसमें क्या करते हैं ना, अगर एक अंक पर दशमलव लगा है तो ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, और 2 पर लगा है तो 100 से, 3 पर लगा है तो 1000 से। तो फाइनल में ये क्या होता है ना बच्चा, ये इतना हो जाता है और ये इतना हो जाता है, क्योंकि दशमलव तो इसमें एक ही अंक पर था, इसलिए एक अंक पर दशमलव हो गया, तो यहाँ से दशमलव जो है बाहर भाग जाता है और ये 25 बरी हो जाता है, इसलिए ये 25/50 आता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर ऊपर एक अंक पर दशमलव लगा है तो दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये छोटा सा बता दिया जल्दी से, लेकिन इसकी पूरी कहानी ये होती है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया, हमें क्या करना है, दशमलव का भाग करना है। आप कहोगे दशमलव तो आपने हटा ही दिया, आप कहाँ से भाग करोगे, नहीं अभी हटा नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला, अभी ये है दशमलव इसमें। अब देखो इसको सरल कर दो, 25 एकम 25, 25 दूना 50, ये कितना हुआ, 1/2। अब 1/2 का मतलब ये है बच्चा लोग, आप सभी जानते होंगे इसको बिना भाग किए, आप जान जाओ कि 1 में जब 2 से भाग करेंगे तो पहले जीरो बढ़ जाएगा,
जीरो बार जाएगा, यहाँ जीरो आएगा, इसको सबट्रैक करोगे वन आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद अब आप ऊपर डेसिमल बढ़ा के यहाँ सुनना उतारोगे और फाइव बार जाएगा तो आपका टेन आएगा ना, आएगा ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.5। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना? देखो उत्तर फिर से किस में आया, दशमलव में आया। और हाँ, इसका एक भाग वाला तरीका भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोनों तरीका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे, अपनी अपनी पसंद है वैसा ही करो। आप लोग ध्यान से देखो, मैं साइड से भी हटा रहता हूँ हमेशा, जिनको छापना हो छाप लें, लेकिन मैं हमारी एक सुझाव होगा कि क्वेश्चन समझने की पहले कोशिश करें, लास्ट में मैं सामने से हटता हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इधर कैसे, हाँ ये पहला मेथड हो गया इस तरह। दूसरा भाग वाला कैसे करोगे, देखो यार इधर साइड में मैं बता देता हूँ, इसको भाग से बता देता हूँ, चलो उसको जाने दो, हो गया। इसमें क्या है ना, हम सभी जानते हैं जो नीचे होता है हर उसी से भाग दिया जाता है, हम बचपन से ही सीखे हैं। यानी हमें क्या करना है, 6 से भाग करना है, किस में, 1.2 में, किस में करना है, 1.2 में भाग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के पहले एक और समझ लो, अगर ये बच्चा लोग होता, ये 12.2 होता, या फिर मान लो ये 12.18 होता, वो बात बताऊंगा जो बताने वाला हूँ, पहले इसको समझो। तो हम क्या करते, 6 से भाग करना था, बताओ, यहाँ दशमलव तो पहले लगा है, अभी हमारे पास एक पूर्ण संख्या है पहले 12, हम पहले 6 का भाग 12 में करेंगे, बाद में दशमलव से निपटेंगे, ठीक है, अभी कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम 6 का भाग इसमें ले जाते 2 टाइम, तो 6 दूना यहाँ 12 हो जाता, कितना हो जाता, 12, ठीक है। उसके बाद क्या होता, ये सबट्रैक करते 0 हो जाता, मतलब ये ख़त्म हो जाता। उसके बाद क्या होता बच्चा लोग, अब हमें दशमलव के बाद वाली संख्या उतारनी है नीचे, बोलो उतारनी है ना, उतारनी है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर दशमलव बढ़ा के तभी हम दशमलव के उस तरफ वाली संख्या उतार सकते हैं, इसको याद रखना। हाँ, यानी हमारा भागफल में दशमलव आ गया, जैसे हम दशमलव के उस पार की संख्या लेना शुरू किए, तो हमने ऊपर उधर से क्या किया, 1 यहाँ उतार लिया। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो मैंने 1 लिखा है, इस 1 से तो काम चलने वाला है नहीं, मतलब 1 में अगर हम ले जाएं क्या भाग 6 का, तो नहीं जाएगा कि जाएगा, नहीं जाएगा ना। हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उधर फिर 8 भी उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे, 8। तो इसमें दो तरीका है, आप ऐसे चाहे समझ लो, जब कभी भी ऊपर से दो अंक एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं, इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है, अंतर समझ लेना, अभी बता रहा हूँ। तो बच्चा यहाँ जीरो बढ़ाओगे, आप जीरो बढ़ाओगे तो क्या किया आपने, 18 उतार लिया, लेकिन अब 18 में 6 का भाग भी तो ले जाओगे ना, तो 6 × 18 है ना, 6 × 3 = 18। तो इस तरह से आपका कितना आया भागफल, इस तरह से आपका भागफल आया कितना, 2.03 आया, ये उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ वाली घटना नहीं समझे होंगे, ये जीरो का है बढ़ाया जाता है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। आप जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, बचपन में इसको पढ़े हो कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे आपको आनी चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे ये भागफल धन शेष, ये होता है तब जब भाग सही होती है, तब अगर भाग गलत है तो नहीं होता है। भाज्य वो होता है, यानी डिविडेंड वो होता है जिसमें भाग किया जाता है, मतलब 12.18। हाँ, भाजक वो होता है, भाजक मीन्स डिवाइडर, तो डिवाइजर ये होता है जिससे भाग किया जाता है। भागफल वो होता बच्चा लोग जो ऊपर आता, कह दो जिसे इंग्लिश में क्वाशियंट बोलते हैं। हाँ, तो इसको क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, उसके बाद क्या होगा, प्लस शेषफल, शेषफल मीन्स रिमाइंडर जो नीचे बचता है, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो हम सुनना लिख लेंगे। अब दोनों LHS और RHS इक्वल आएगा तो मतलब हमारी भाग सही है, नहीं आएगा तो हमारी भाग गलत है। मल्टीपल करके देख लो, गुणा करना पिछली क्लास में बता चुका हूँ, 6 × 18, 18 × 8 हासिल 1, 6 × 0 में गुणा करोगे 0, 1 जुड़ जाएगा 0.6 × 12। LHS RHS इक्वल है, इसलिए हमारी भाग क्या है, सही है, क्या है, सही है। लेकिन हम इसको गलत करके भी आपको दिखा देते हैं, इधर साइड में देखो, ये जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ही मतलब होता है इस क्लास का, शून्य से शिखर तक इसीलिए बोलते हैं, जिससे कि जो छात्र YouTube पर कहीं कोई क्लास नहीं पाते इस तरह से, वो PBR स्टडी में पाएं, और इसी का नतीजा है कि वो अपने दोस्तों को भी रेफर करते हैं, शेयर करते हैं। आज PBR स्टडी में सिर्फ मैथ पढ़ने के लिए 200,000 बच्चे जुड़े हैं, वो भी अकेले एक ही इंसान को देखने के लिए, है ना। बाकी आने को तो कई आए लेकिन टिकता कोई नहीं, सब भाग जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भैया हम फ्री में काम करें, है ना, समझ रहे हो ना। तो देखो इधर साइड में अब क्या होता है,
ध्यान से देखो, एंड तक देखना, भागना नहीं। अगर समझना है तो, नहीं समझना है तो कहीं भी जाओ, मतलब अगर पढ़ना है तो कहीं भी जाओ, सीखना है तो पीवीआर स्टडी अपनाओ। अब देखो इधर शेषफल, दूसरा वाला जो मैं बता रहा था कहानी, उसको समझो। इधर अगर हम 6 से भाग करें 1.2 में, 1.2 नहीं था उसको तो अभी मैंने किया ही नहीं, इसको समझ लो जो मैं बताने वाला हूँ 12.18। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले नंबर तो आप दो बार ले जाओगे, 6 दूना ये 12 हो गया, घटाओगे 0 आ गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करोगे, दशमलव के बाद वाला उतार रहे हो, इसलिए ऊपर क्या किया, दशमलव बढ़ा दिया। ऊपर से आपने क्या किया, 1 उतारा, अब 1 में भाग नहीं जा रहा है, 1 में भाग जा ही नहीं रहा है। आपने क्या किया, ऊपर से 8 भी उतार लिया। अब क्या होगा बच्चा लोग, आप कहते हो ऐसे कि 36 18 हो सकता है, मैंने कर लिया, देखो आसान है। अब मैं गलत तरीका बता रहा हूँ, देखो गलत कैसे होता है। हमने ऊपर से 18 उतारा, भाग ले गया, 0 नहीं बढ़ाया, क्योंकि आप कहोगे वो तो होता ही नहीं है, है ना। अब इसकी जांच करोगे जब, तो भाज्य है 12.18, भाजक है 6, भागफल है 2.3, शेषफल है 0। आप देखोगे दोनों इक्वल नहीं आएगा, इसलिए भाग क्या होगी, गलत होगी। 6 3 18 हाफिल 1 और 6 2 12 1 13, ये 13.8 आएगी, 12.18 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए क्या है ये गलत है। बात समझ में आई ना, तो यहाँ आप समझ गए होंगे हमने सुनना काहे लिए बढ़ाया था, वो मैंने आपको तरीका बता भी दिया था अच्छे से, तो समझ गए ना। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप बता सकते हो। तो ये हुआ अभी छोटा सा, इसके आगे भी थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, कहीं जाना नहीं है। हाँ अब इस भाग को करते हैं, देखो इसमें बहुत बड़ी कहानी है यार, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ये क्लास सुनने से शिखर तक काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन समय की कमी के कारण हम ज़्यादा आपको बड़ी क्लास नहीं दे पाते हैं, ये हमारी अपनी मुसीबत हो जाती है। देखो इसको भाग विधि से करते हैं, 6 से भाग करेंगे 1.2 में, तो आप समझ सकते हो कि 6 का भाग 1 में जाएगा ही नहीं, हमें पहले दशमलव के पहले ले जाना है ना, लेकिन हम तब भी ले जाएंगे 0 बार ले जाएंगे, इसमें किसी का कोई औकात नहीं कि रोक ले, 0 बार जा सकता है। हाँ अब क्या करेंगे, अब 0 बार ले जाने से काम तो चलने वाला है नहीं, क्यों चलेगा क्या, 0 बार ले जाने से काम चलेगा क्या, फिर 1 आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वही तो आ गया। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें 6 का भाग फिर से अगर हम 1 में ले जाएं, एक बार 0 बार ले गए हैं तो दोबारा तो लेने जाएंगे 0 बार, नहीं तो फिर 1 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम ऊपर से अंक नीचे उतारेंगे, लेकिन अंक जो है नदी उस पार है, तो हमें नदी तैर के जाना पड़ेगा, समझ गए ना, यानी दशमलव उस पार है, तो हम ऊपर दशमलव बढ़ा के तभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंक ऊपर से उतार सकते हैं। अब 2 बार जाएगा बच्चा, कितनी बार, 2 बार, तो 6 2 12, इस तरह से सबट्रैक करोगे 0 आएगा, ये आपका जो आंसर है वो 0.2 आएगा। बात समझ में आई ना, 0.2 आएगा। इसका प्रमाण ये है कि आप एक काम कर सकते हो, एक ही जाँच कर सकते हो, जब शेषफल 0 आता है तो भाजक और भागफल का गुणा करने पर भाज्य आ जाना चाहिए, यानी हम जब 6 का गुणा करें 0.2 में तो हमारा 1.2 आ जाना चाहिए, और करके देख लो 6 2 12, एक अंक पर दशमलव लगेगा, इसका मतलब सही है। बात समझ में आई ना, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, आपने इसको देख लिया दूसरा मेथड से, इसको देख लिया दूसरा मेथड से, कौन सा मेथड अच्छा लगा, समझ में आया कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन इधर साइड है, इसको खुद से घर पे आजमाना और फिर हमें बताना। पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम शुरुआत से। देखो जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं बच्चा लोग, गिनती सबसे पहले जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो अंकगणित शुरू करते हैं, मतलब बीजगणित या अलजेब्रा नहीं शुरू करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं 3 2 5, जोड़ना घटाना सीखते हैं, यही तो जानते हो ना आप, बहुत अच्छे से इसको जानते हो, देखो पूरा देखोगे तब मामला समझ में आएगा वरना नहीं आएगा, ये आप सीखते हो। तो ये क्या है, अर्थमेटिक है, जिसमें आप गिनती का हिसाब किताब करते हो, जोड़ घटाना, मतलब नंबर आप यूज करते हो, न्यूमेरल, जिसे बोलते हैं अचर पद या कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी तक हम यही पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें जैसे किसी फैमिली में 2 भाई बहन होते हैं या फिर 2 भाई होते हैं, तो ये मान लो ये 2 भाई हैं, एक अंकगणित एक बीजगणित, तो भैया आप दूसरे भाई की जो जानकारी है ना बिल्कुल अलग है इनसे। बीजगणित में हम क्या पढ़ते हैं पता आपको, अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम यक्स में यक्स जोड़ते हैं और इसको समझते हैं क्या होगा, इसमें हम बच्चा लोग 2y से y घटाते हैं, ये है अलजेब्रा बीजगणित, बीजगणित समझ गए ना। तो इनमें जो ये ए बी सी डी से लेकर के जेड तक के जो लेटर यूज होते हैं, इनको हिंदी में चर पद बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं। बात समझ में आई ना, जैसे कहीं भी कुछ भी लिखा है, ए लिखा है वेरिएबल है, बी लिखा है वेरिएबल है, डी है वेरिएबल है, क्यू है वेरिएबल है, एस टी सब वेरिएबल है, वाई जेड मतलब वेरिएबल है।
अगर आपसे पूछा जाए अलजेब्रा में कुल कितने वेरिएबल हैं, तो 26 हैं बच्चा, कितने हैं 26 हैं, है ना, ए से लेकर के कहाँ तक, जेड तक के। लेकिन अगर इसके आगे बात करें, इसके आगे मतलब जान रहे हो आप, ये होता है पूरा कहानी आपका क्या, वेरिएबल्स का, ठीक है। आगे चलें, अगर हम आगे बात करें तो समझ गए होंगे आप ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपने सीख लिया होगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है, कैसे, क्या होने वाला है, ये तो आप जानोगे कि नहीं जाने, अभी नहीं जाने, लेकिन आप इतना जान गए कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अगर हम बात करें इधर साइड कांस्टेंट की, यानी कि अचर पद की, तो आप ये जान लो गिनती में आप जो भी पढ़ते हो, एक प्रकार से नेचुरल नंबर मान लो, वो सभी कांस्टेंट हैं, यानी अचर पद हैं। एक से लेकर के 2, 3, 4 मतलब अनंत तक, क्योंकि गिनती का कभी अंत नहीं होता है। आपने देखा होगा ए बी सी डी, आप गिनोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पढ़ोगे तो जेड पे जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन आप गिनती पढ़ोगे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 खत्म नहीं होगा। ये मत सोचना जो छोटे बच्चे हैं कि बच्चा 100 पे खत्म हो जाता है, नहीं, 101 102 भी होता है, उसके आगे भी बढ़ता जाता है, कभी एंड नहीं होता है। तो ये कितने हैं, अगर इनकी टोटल संख्या की बात करें तो ये अनंत है, इनफाइनाइट है, इनका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम मुख्य रूप से सबसे पहले बेसिक में पढ़ते हैं इनका जोड़ना घटाना और गुणा भाग, जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ। चूंकि हम अलजेब्रा के अलावा अगर अंकगणित की बात करें तो उसमें भी हम यही सब पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं जीरो लेवल से। हमारा जो ये चल रहा है टाइटल शून्य से शिखर, तो बच्चा हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चर पदों का जोड़ना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, चर पदों का जोड़ना। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें PVR स्टडी को, और वीडियो कभी भी YouTube पे डाउनलोड ना करें, किसी भी तरीके से डाउनलोड ना करें, इसको याद रखें, नहीं तो YouTube पे हमारे वीडियो नहीं आएंगे, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है, डाउनलोड ना करें, जब भी देखें ऑनलाइन देखें, अगर कोई वीडियो नहीं मिलता आप नंबर पर संपर्क करें, आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी उसको ये मत सोचें कि इकट्ठा करके रख लें, ऐसा कतई ना करें। चर पदों का जोड़ना मतलब अगर हम बात करें यक्ष धन यक्ष जोड़ना है तो क्या आएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर एक में एक जोड़ना है तो 2 होता है, ये तो आप बचपन में पढ़े हो, तो बच्चा वैसे यक्ष में यक्ष जोड़ेंगे तो क्या होगा। इसके पहले हम आपको एक और बात बता दें, जैसे कहीं 3 यक्ष लिखा है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है जो इसके बारे में समझना है आपको, ध्यान दो। जैसे 3 यक्ष है ना, इसमें जो यक्ष है वो क्या है, वो चर पद है, यानी क्या है, वो वेरिएबल्स है। इसके साथ जो लगा हुआ अचर पद होता है यानी कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग एक नाम बोलते हैं, वो क्या है, गुणांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गुणांक, गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में कॉफिशियंट बोलते हैं। तो बच्चा कॉफिशियंट को हम लोग क्या करते हैं, उसी को जोड़ते हैं, उसी को घटाते हैं, उसी का गुणा भाग करते हैं, बाकी और भी कुछ भी नहीं करते हैं, इसको याद रखो, ठीक है। तो बात समझ गए ना, ये चीज है, क्लियर हुआ ना। तो वैसे अगर हम यहाँ बात करें, जैसे यक्ष है, अब इसका कॉफिशियंट क्या है, आप कहोगे इसके आगे तो 3 था तो इसका कॉफिशियंट यानी गुणांक 3 था, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो जिसमें कुछ नहीं होता उसका गुणांक हमेशा 1 माना जाता है, कितना 1। तो जोड़ने में क्या होता बच्चा, 1 इसमें भी हमेशा गुणांक गुणांक जुड़ते हैं, तो ये 1 और ये 1 मतलब हो जाएगा 2, और ये यक्ष साथ में है तो यक्ष हो जाएगा, ठीक। ये होता है जोड़ने का नियम। अगर हम वाई में वाई जोड़ें ऐसे तो क्या होगा, आप इसको भी समझ गए होंगे, हर एक चर पद के साथ क्या होता है, एक गुणांक छिपा होता है, अगर उसके साथ कोई गिनती नहीं लगी तो इसमें भी क्या होगा, 1, 1, 2 और ये वाई का वाई हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम 3 जेड और जेड लिखें, अब देखो कहानी बदल जाएगी। यहाँ पे 3 पहले से दिख रहा है आपको आँख से ना, 3 है, यहाँ पे 1 है जो छुपा है नहीं दिख रहा है, तो 3 1 कितना होगा, 4, और ये जेड वैसे लिख जाएगा। इतना आपको समझ में आया ना, तो जल्दी से इसको फटाफट नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन होगा। अगर आप लाइक करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे तो हमारी जो मेहनत है ना वो सफल होगी। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट घर बैठे फ्री में मैथमेटिक्स सीख सकें, लेकिन यार उसके लिए व्यूज ही नहीं आता है। आप देखो कोई नंगा नाच करता है यूट्यूब पे, उसको आप लोग खूब लाइक करते हो, खूब शेयर करते हो, अभी कोई गाली दे दे के कोई वीडियो बना दे कमेडी वाला, खूब उसे वायरल कर दोगे। ये पढ़ाई वाला क्यों नहीं करते हो, क्या वही नंगा नाच की जरूरत है जो मीडिया वाले करते हैं, जो कुछ कमेडी वाले करते हैं। यार बहुत आश्चर्य होता है जान करके कि आप पढ़े लिखे युवा हो भारत के, फिर भी मैथमेटिक्स की वीडियो पे कोई भी नहीं आता है। तो मैं इसको अगर ना पढ़ाऊं तो क्या होगा, आप सोचते होंगे इसको शेयर करने में शर्म आती है, बच्चा शर्म नहीं आनी चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, किसी से भी आप शेयर कर सकते हो, और जो करे शर्म होके फूटे कर्म, इसको भी मत भूलना। तो चलो इनका आप उत्तर कमेंट करना फटाफट।
फटाफट सभी कमेंट करना इनके उत्तर, ये आपके लिए होमवर्क है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी से लिखो, फटाफट बिना देर करे हुए लिखो बच्चा, ठीक है। इनको लिखो, इनको चारों को होमवर्क करना। इसमें कुछ स्टेप आगे बढ़ाते हैं, देखो वो तो होमवर्क है, उसको अभी मैं बाद में बात करूंगा। इधर साइड देखो, अब तक आपने ये सीख लिया छोटा छोटा लल्लू बल्लू वाला, हाँ अब हम थोड़ा बड़ा सीखेंगे। वो क्या है देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 7 यक्ष, इसके चुरकी पे 5 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब भी हम सीखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, वहीं थोड़ी रहेंगे, क्योंकि शून्य से शिखर तक का मतलब कि आगे बढ़ते जाओ, रुको नहीं कहीं भी, है ना। तो भैया इसमें क्या होता है ना यार, इसमें जो ऊपर होता है ये क्या होता है, ये घात होती है। क्या होता है? घात। और ये जो है वो क्या है, ये आधार है। क्या है? आधार है, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हाँ, तो इसको सीखने के लिए जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको सजातीय बिजातीय भी आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। जिसे इंग्लिश में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, चूंकि चर पदों का जोड़ना जो है बिना लाइक अनलाइक टर्म्स पढ़े आप नहीं सीख पाओगे। हाँ तो चलो बात करते हैं। इधर साइड में देखो आप, इधर साइड में हम बात करते हैं, क्या है बच्चा वो, इसको मैं मिटाई देता हूँ, इसका कोई मतलब अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है, ध्यान दो। इसमें अब हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, मतलब सजातीय व विजातीय पद। लाइक मतलब सजातीय और विजातीय, यही होता है ना। हाँ देखो, जैसे अगर मैं आपसे व्यवहारिक रूप में बात करूँ, अगर 2 कैट का बेबी है, मतलब बिल्ली का बच्चा है, तो क्या होगा भाई? बिल्ली का बच्चा है अगर 2, ऐसे देखो यहाँ पर आप, इसमें थोड़ा सा ऐसे अनुमान लगाओ तो क्या होगा? देखो हफरा की रो रहा है, बताओ पहले, एक जैसे होगा ना। लेकिन अगर एक बिल्ली का बच्चा है और एक कुत्ते का बच्चा है तो क्या होगा? दोनों में अंतर होगा कि नहीं? मतलब बहुत सारा अंतर होगा कि नहीं उनमें? होगा ना छोटा मोटा, लेकिन आप अनुमान लगाओ। कहानी सुनना ध्यान से, अगर पढ़ना है तो मैं ये बिल्ली कुत्ता नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आप अनुमान लगाओ कि भैया ये कैट जो मैंने बताया था वो कैट नहीं है, दोनों उसमें कैट थी, इसमें एक कैट था एक डॉग था। अब अगर एक कैट है और एक काऊ का बच्चा है तो क्या होगा बताओ? अब बिल्ली और गाय वाले बच्चे में कितना बड़ा अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो भैया ऐसे समझ लो, जो बिल्ली बिल्ली के बच्चे अगर हैं तो सजातीय हैं, अगर बीच में एक बिल्ली का बच्चा एक कुत्ता का बच्चा है तो क्या है? विजातीय है। समझ गए ना? लेकिन अब बिल्ली कुत्ता आप समझोगे कैसे? इधर साइड में देखो, इधर साइड में देखो, सजातीय विजातीय समझने के लिए आपको 2 चीज़ें देखना है। क्या क्या देखना है? 2 चीज़ें देखना है। नंबर 1, चर समान हो, समान हो मतलब दोनों में एक ही हो। नंबर 2, घात समान हो, ठीक है। बस यही 2 चीज़ देखना है, बाकी उसका जो कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो इधर साइड में क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझो बच्चा लोग। चर समान हो, घात समान हो। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें सजातीय पद की, तो देखो यहाँ पर क्या है भैया, सजातीय पद जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3x² और यहाँ पर लिख दिया 1y, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1x² और ये 2y, और ये मैंने लिख दिया 7x². अगर इसमें मैं बात करूँ आपसे, पूछूँ, इसमें देखो 2 तरह के आपको पद मिल रहे होंगे, कि बच्चा ये बताओ 3x² का सजातीय पद कौन कौन से हैं इनमें, हाँ मतलब 3x² के जैसे पद कौन कौन से हैं, सबका नाम बताओ इसमें फटाफट। तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, आएगा ना समझ में, पूरा आएगा समझ में। देखो कैसे, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। हाँ तो ये क्या है, मैंने कहा था कि पहले आपको चर देखना है समान हो, तो भैया चर इसमें देखो यक्स है, इसमें और किसी में यक्स है, हाँ इसमें भी यक्स है, इसमें भी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि वो सजाती हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमें घात भी देखना है समान हो। तो घात की अगर बात करें, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब घात भी समान है, यानी इसके जो सजातीय हैं वो 1x² भी हैं और ये 7x² भी है, समझ गए ना। यानी ये सजातीय पद हैं 3x² - 1x² - 7x² कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 7 है, यहाँ तो कुछ नहीं, फिर कैसे सजातीय हैं? तो हमें इनके साथ लटके हुए जो
लटकू हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। मतलब हमें गुणांक की तुलना नहीं करनी, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 की जगह 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सजातीय पद, ठीक है। और विजातीय पद की बात करें तो बच्चा इसमें जो और सब बच रहे हैं वो क्या हैं, ये क्या है, ये विजातीय पद है। अगर हम बात करें इन दोनों की तो ये दोनों सजातीय नहीं है, क्या है 3x² + y क्या है, ये विजातीय पद हैं अगर इनकी बात करें तो। ये अलग अलग समूह के हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, ऐसे समझो तो आज के इस कट्टर जमाने में। हाँ ये समझ गए। हाँ तो होता क्या यार, मैं आपको बता रहा था यहाँ जोड़ना, तो जो सजातीय पद होते हैं वो जुड़ते हैं, बाकी विजातीय पद जुड़ते हैं वो भी, लेकिन उनसे कोई नया पद नहीं बनता है। बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चा एक काम करो, चावल ले लो और चावल में पानी डालो, जैसे चावल उबालते हैं और उसमें गुड़ डाल दो गन्ना वाला, तो क्या बन जाता है। हम लोग के यहाँ देसी भाषा में उसे रसियाव बोलते हैं, कुछ लोग मीठा चावल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। तो वो क्या बन गया, मतलब आपने चावल लिया, गुड़ लिया या चीनी जो भी लिया, आपने एक नया आइटम बना लिया ना, एक नया प्रोडक्ट बन गया ना। आपने दूध लिया, उसको उबाला, पकाया, उसमें आपने कुछ मटेरियल मिलाया, उसको फटा करके क्या बना दिया, उसका पनीर बना दिया या दही बना दिया, तो क्या हुआ, दूध से एक नया प्रोडक्ट बन गया ना, बन गया ना, बन गया, समझो। लेकिन अगर आपने मान लो क्या लिया, दूध लिया और दूध में पानी मिला दिया, अब बताओ कोई नया प्रोडक्ट बना, कोई नया प्रोडक्ट बना, नहीं बना ना। लेकिन अगर आपने मान लो पानी लिया, पानी में कंकड़ मिला दिया, पत्थर डाल दिया, तो क्या हुआ, कुछ बना, नहीं बना ना। अगर आपने दूध में कंकड़ पत्थर डाल दिया तो कुछ बना, नहीं बना, मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कि बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही समझ लो कि जो सजातीय पद हैं वो जुड़ते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, जबकि विजातीय पद जुड़ते हैं तो उनसे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। जैसे आप पत्थर कंकड़ मिला दो दूध में तो क्या होगा, कंकड़ पत्थर आप बाद में फिर से बीन सकते हो, छान सकते हो, निकल जाएगा, वो कोई नया पद नहीं बनेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा कि आपने दूध में कंकड़ मिला दिया तो मलाई बन गया, है ना। अब देखो कैसे, चार पदों का जोड़ना, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सजातीय पद ही जुड़ते हैं, मैंने कहा था, ये मैंने सजातीय पद छांटा, इनको लिख लो यहाँ पे, चलो जोड़ लेते हैं, 3x² + x² और धन ये है बच्चा क्या, 7x². आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर गौर से देखो तो क्या है वो कहानी, हमने कहा था हमेशा क्या जुड़ते हैं, गुणांक जुड़ते हैं, कोफिशियंट जुड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं जुड़ता है। इसमें गुणांक क्या है, 7 है, इसमें क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसमें क्या है, 3 है। तो क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ बच्चा क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 7 है, तो 3, 1, 4, 7, 11 कितना हुआ, 11। लेकिन जो इसके साथ ये चर पद लटका रहेगा जिस अवस्था में ना, उसको उसी अवस्था में यहाँ ला के सेटल कर देंगे बिना किसी छेड़छाड़ के, तो x का स्क्वायर था, 3x² हो जाएगा बस। अब ये मत सोचना 3 जगह है तो हम 3 बार लिखेंगे, नहीं, वैसे लिख देंगे, एक बार हो गया। ये होता तरीका जोड़ने का। यहाँ पर आप चाहो तो इसे लिखो, कुछ या ना लिखो, मैं आपको इसको समझाने के लिए स्टोरी बताया था, ठीक है। इतना बात आपके दिमाग में घुस गई ना, यानी अब आप चार पदों का जोड़ना इस तरह से कर लोगे, कर लोगे ना, तो बोलो जल्दी फट से हाँ। और अगर अभी तक आपने PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना, जिससे कि आप इस तरह से वीडियो पा सको और पढ़ाई अपनी आगे कर सको। उसके बाद चलो हम आगे आपको देते हैं एक बात और, क्या है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, तो हम आपको कुछ होमवर्क देंगे इस तरह से, जैसे आपको समझाया हूँ, इसको आप करके लेके आना बड़ी ही उम्मीद के साथ। देखो x² + 3x² + 7y, हाँ नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, चूंकि आपको इस तरह का बताया नहीं हूँ ना। चलो x² ये पहला है बच्चा, दूसरा है आपका 9y + 7y - y, हाँ सी वाला है आपका y + y + y और -2y। अगर आपको जोड़ना घटाना आता हिंदी वाला तो आप इसको भी कर लोगे और करके इसी वीडियो में आके कमेंट करना। लेकिन इसी में अगर थोड़ी बहुत अचड़न और आ जाए तो क्या करोगे, जैसे मान लो इसमें y भी लग गया बच्चा, z भी लग गया, अब z² लग गया तो थोड़ी और कहानी बड़ी हो गई, फिर कैसे करोगे, ज़रा सोचो। अगर इस तरह के सवालों में इस तरह बन जाता है कहानी तो क्या करोगे, देखो बड़ा ही आसान है, प्यार से आप समझो अगर इसे तो बहुत ही इजी है। पहला नंबर तो अगर किसी एक पद में ये लगता है जुड़ता है तो भैया वो तो अलग हो गया समाज से, हाँ जैसे आप जानते हो ना आजकल कोई गलत काम वगैरह वगैरह आप समझ सकते हो, समाज से लोग कहते हैं बाहर हो गए, सामाजिक नहीं है, हाँ सुने हो, पहले होता था अब कम होता है, तो ये अलग हो गया। लेकिन इसी की तरह से अगर ये भी हो गए, ये भी हो गए, तो क्या होगा, जैसे गुरु वैसे चेला,
तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मर्जी वैसे खेला है ना, देखो इधर साइड में कैसे। अब इनको भी हमें क्या करना है, इसी तरह कर लेना है, मतलब 2x² y z² में थोड़ा कम जगह में लिख देता हूँ, हाँ इनको भी हमें ऐसे ही लिखना है। देखो ऐसे हम काहे लिए कर रहे हैं पता है, ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं कि आप यहाँ से समझ लो कैसे इनको जोड़ना है बच्चा लोग, ठीक है, कैसे इनको जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा है x² y z² ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा, भले इसमें कई पद आ जा रहे हैं लेकिन आसान है ये। आसान कैसे है, देखो ये सभी सजातीय पद हैं यार, सजातीय पद हैं कि नहीं, है ना, तो इनको जोड़ना बहुत ईजी है। देखो इनके गुणांक क्या हैं, एक हैं, हमने कहा था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले घात देखना है जोड़ने के लिए, ये चर समान हो और घात समान हो। तो बच्चा लोग अगर चर आप देखो तो x y z इसमें भी है, x y z सब में है, घात की बात करें x की घात इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, y की घात की बात करें 1 है, 1 है, इसमें भी 1 है, z पे देखो 2 है सभी में, तो यानी सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे, गुणांकों को जोड़ लेंगे, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 7, तो 2 1 3 7 कितना हो जाएगा 10। हाँ बाकी जो चर पद हैं इनको ऐसे लिख देंगे बिना किसी छेड़छाड़ के, उठक पटक के ला के यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये कहानी आप समझ गए ना पूरी, ये इसका जोड़ना हो गया, ये थोड़ा अगला स्टेप है, चूंकि ये शून्य से शिखर तक है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, पिछली क्लास में हमने थोड़ा छोटे छोटे पढ़े थे, तो ये बढ़ोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आप सीखो, ये तो हो गया इतना, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो उसमें भी आप ध्यान दो कैसे है क्या है, वो भी देख लो। और हाँ बहुत ध्यान से देखो, एक बात मैं आपको बता दूं यार, वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करो बाबूजी, शेयर भी किया करो भैया राजा जी, शेयर किया करो जिस हम आपको पढ़ा सकें, नहीं तो ये काम नहीं चलता इतना, ठीक है। अगर वीडियो के व्यूज नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आता है, इसको याद रखना, भूलना नहीं, तो जल्दी शेयर कर दो, फटाफट कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब तो मत भूलना। हाँ तो हम तो मेन चीज़ तो भूल ही जा रहे थे आपके लाइक सब्सक्राइब में, आप लोग डिस्टर्ब करते हो ना, क्योंकि बिना कहे करते नहीं हो। चलो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा, सोच के बताओ फटाफट, जल्दी कमेंट करो बिना देर करे हुए, चूँकि आप यहाँ जो मसाला था वो पा चुके हो पहले से, मतलब सीख चुके हो, है ना, जो मेन बात थी वो आप सीख गए हो। चलो बोलो, देखो ये भी एक सवाल है, हाँ बहुत ईजी है, इसमें अगर आप देखो तो जो चर पद हैं वो एक समान है, सभी में एक ही समान चर है, किसी में अलग अलग तो है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, एक ही जैसे है ना। तो बच्चा लोग आप क्या करोगे पता है आपको, इसमें देखो एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें 2 गुणांक है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो 2 1 3 और ये 3 6, मतलब 6xy कितना हो गए, 6xy ये हो गया ना, समझ में आ। आगे देखो ये क्या है, इसमें भी वैसे ही है, इसको तो आप जोड़ लोगे यार, मैं क्यों करूँ ना, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 1 है, तो 1 1 2 2 4 3 7 7xy² ना कर लेना। अब कुछ इसी तरह का खुद से लिख लो करने के लिए, उसके बाद हम आपको अगले स्टेप पे ले चलते हैं, इस तरह से तो आप आसानी से जोड़ लोगे। अभी मैं आपको सिर्फ जोड़ना बता रहा हूँ, इसमें कोई फंसाने वाला सवाल नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो इसी तरह से इसमें फंसाने वाले सवाल भी आते हैं, उसको भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन स्टेप बाई स्टेप। तो इसको आप जोड़ लोगे बच्चा लोग, है ना। तो जैसे मैं अगर बात करूँ कि 3xy² + xy² + y, इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसको जोड़ना, माइनस का 9x² + ये माइनस का 7x² और प्लस का x² इसको करना। देखो अगर आपको जोड़ना घटाना आता है, ये -1 + 9 और ±2 इस तरह के आपको कैलकुलेशन आते हैं तो आप इसको कर लोगे, आपको इसमें ये एक्स वाई से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना बातों को कि नहीं। तो इनको आप लिखते चलो फटाफट, इनको घर से करना और होमवर्क करके इस वीडियो में आकर के फटाफट कमेंट करना, वीडियो में ही कमेंट करना, कहीं और मत भेजना, ठीक ना। तो इनको लिख लो। तो बच्चा लोग अगर हम यहाँ बात करें 19x² + ये -17x² और +x² + x² तो क्या होगा, ये आप कर लोगे, आप घर से कर लेना इनको, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ पर सीख सकते हो। आगे अगर हम बात करें इसमें क्या है, तो ये आप कर लेना, फिलहाल आपने इसको सीख लिया, अगली क्लास में हम आपको क्या बताएं इसके आगे,
इसमें घटाना भी बताना चाहिए आपको, लेकिन इसमें कुछ और भी उलझे हुए सवाल की अगर बात करें तो ऐसे आप कर तो लोगे यार, कर लोगे। अब और उलझे हुए सवाल ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लो डी वाला है, माइनस तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो स्क्वायर वाई जेड का स्क्वायर, और प्लस माइनस नौ एक्स स्क्वायर वाई, देखो ध्यान दो मैं आगे से बिल्कुल हटा रहता हूँ हमेशा, जेड का स्क्वायर, हाँ ये सवाल है। तो इसमें उलझा क्या है, थोड़ा प्लस माइनस का लफड़ा है, आप कर लोगे कि नहीं भाई? प्लस माइनस वाला सिस्टम तो आप बोर्ड मास में पढ़े हो ना, अगर वो चीज़ नहीं पढ़े हो अर्थमेटिक वाले में तो इसमें आप लटक जाओगे, क्योंकि आप इसका जोड़ना घटाना नहीं कर पाओगे, प्लस माइनस देख के इसी में आप पागल हो जाओगे, है ना? तो भैया ये सब आप कर लेना, ये भी आप कर लेना, ये भी कर लेना। और अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे इनको भी हल कर लेना। तो भैया आपके सी फिर डी ई, ठीक है, इनको आप करना, इनको करना और फिर बताना। ये तो आपका अलग था, इसको मैंने मिटा दिया, ये जो होमवर्क था आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं डोल रहा हूँ, इधर उधर हिल रहा हूँ, तो आपकी जो भी नज़रें हैं ना वो खोज ले रही होंगी कहाँ लिखा गया है। ये होमवर्क कर लेना, इस अब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स यानी जो लाइक टर्म्स के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, वेरिएबल्स, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बीजगणितीय व्यंजकों का घटाना कैसे किया जाता है, या फिर बीजगणितीय पदों का घटाना कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे अगर आपको 3x से x सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल भरा ये वर्ड लगता होगा, ऐसे आपको फील होता है ना। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि बच्चा 4 में से 2 घटाओ तो आप बड़ा प्यार से 2 लिख दोगे। हाँ, अगर आपको मैंने कहा कि 9 में से आप 5 घटाओ तो आप कहोगे 4 आएगा, ये आप कर लोगे। लेकिन ये x y हो जाने से थोड़ा बहुत आपको परेशानी होती है ना, ये बहुत ईजी है, जैसे ये आसान है वैसे ये भी आसान है, उतना ही आसान है, बस आप सीख जाओ तब। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो देखो, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल जाए, या फिर आप कमेंट कर दो आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में पूरा क्लास इसको देखोगे लास्ट में मिल जाएगा, उस पर टच करके देख लेना। हाँ, अब देखो, हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक करते हैं। तो इसमें वेरिएबल 3 है, इसमें क्या है 1 है, तो यार 3 में से 1 सब्ट्रैक करोगे 2 आएगा, और साथ में x लगा है चर पद तो x हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 5 और ये 3, हाँ 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, हाँ 5 में से 3 गया 2, और बच्चा ये x लगा था तो x, दोनों का उत्तर संयोग बस एक ही आ रहा, वैसे ही आ रहा, उतना ही आ रहा ना, तो इसको नोट कर लो फटाफट, ये हो गया आपका। हाँ, इसके बाद अगर इधर बात करें, देखो ये भी क्या है, एक प्रकार से चर जो है वो एक समान है, मतलब सजातीय पद हैं, इनको भी आप आराम से घटा सकते हो, इनको अगर देखो तो इनको भी आप प्यार से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद अभी हम बात करेंगे इसके आगे, जब चर पद समान ना हो तब क्या करेंगे। हाँ देखो, इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो गुणांक है एक्स का 1 है ना, तो 9 से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, आप जानते हो 8 आएगा, तो 8 लिख दो, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इस तरह से 8x का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हाँ आगे चले, अब देखो 18x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई, इसको क्या करोगे, देखो 18 में से 3 घटाना बच्चा तो क्या आएगा, ये 15 आएगा, और एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई है ना, कितना आसान कर लोगे ना। अब आप कुछ क्वेश्चन लिखो जिनको आप खुद से करना, और फिर हमें कमेंट करके बताना कि हाँ सर जी हमें आने लगा है और हम सीख गए हैं, तो हम जानेंगे कि हाँ बच्चा आप बहुत अच्छे हो, एकदम सुंदर से हो, प्यारे से हो। चलो देखो, अगर नहीं करोगे तो हम बोलेंगे बहुत नालायक हो, तो भाई लायक बनो नालायक नहीं। देखो ये है 3 धन ही लगा लो एक्स स्क्वायर वाई माइनस, यहाँ पर अगर हम लिख दें क्या एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या करोगे सोचो। और अगला देखो, अगर ये है 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बहुत आसान है यार, जैसे आप अभी तक पढ़ते आओ वही सब है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आप इसको घटा लोगे आराम से, प्यार से कर लोगे, है ना, सब्ट्रैक्शन कर लोगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसलिए हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ, और दें थोड़ा सा होमवर्क घर से करना, कर लोगे ना इसको, तो अब हम इसमें चेंजिंग भी करेंगे, टेंशन मत लो आप, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला है, EF हो गया। हाँ, इसको आप कर लोगे, सीधा घटा लोगे, तो अगर इसको आप घटा लोगे बच्चा लोग, तो आप थोड़ा उलझे हुए सवाल भी कर लोगे। हाँ, जैसे देखो ऐसे है, अगर मान लो ध्यान दो, जैसे मान लो 3x स्क्वायर वाई और धन ब्रेकट में है बच्चा 13x स्क्वायर वाई और ऋण ये 7x स्क्वायर वाई, इनको क्या करोगे आप, कर लोगे कि नहीं,
आप कहोगे ये को कोष्टक में काय कर दिया, तो बच्चा इसमें क्या है ना, मैंने थोड़ा सा कुछ और सोचा था, ये माइनस में है। अगर आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था तो आप कर लोगे बड़े प्यार से, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें है कुछ ना, थोड़ा फतमदार है इनसे, कर लोगे ना इसको। और इसकी अगर बात करें तो इसको भी आप लिख लो फटाफट, ये है 90, माइनस में लिखो एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 88 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस 77 एक्स स्क्वायर वाई। हाँ ध्यान दो, इसमें सब में जेड नहीं है तो इसमें भी हम जेड हटा देंगे, नहीं तो फिर ये अलग हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। हाँ आप कर लोगे ना? हाँ बच्चा यहाँ पे वाई स्क्वायर रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर वो अलग हो जाएगा, अगर उस तरह का दे देंगे फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी वो मैं नहीं बताया हूँ। इसको नोट कर लो फटाफट, इतना समझ में आ रहा ना? तो ये चार पदों का घटाना हो गया, जो कि आप कर लोगे आसान तरीके से, कर लोगे ना। अब अगर हम इसी में बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो आप इधर साइड से सीख लो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी देख लो। जैसे अगर हम बात करें चार पदों का घटाना, जब ये दिए गए जो चार पद हैं वो असमान हो, असमान तो नहीं सही रहेगा, सजातीय नहीं हो, मतलब विजातीय हो, या फिर इन्हें बोलें एक प्रकार से अनलाइक टर्म्स में हो, क्या हो? अनलाइक में हो। जैसे देखो इधर साइड में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो क्या है बच्चा, ये यहाँ पर अगर इधर साइड आप देखो तो जैसे 2x माइनस का वाई है, तो अब इसको क्या करोगे? अब तक तो यक्स ही यक्स रहता था, इसमें तो वाई भी आ गया, ये नया हो गया, इसका कॉन्सेप्ट नया हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल्स जो है वो क्या हैं, कई तरह के हैं, दो तरह के हैं, है ना, जी एच आई उसके बाद जे। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चा, 3x² yz माइनस यक्स वाई और माइनस यक्स स्क्वायर वाई जेड, क्या यक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखो क्या है कहानी, इनको क्या करना, हमें हल करना है, सब ट्रेक करना है, तो यहाँ एक अलग रूल हो जाएगा इन दोनों के लिए, क्योंकि इसमें देखो ये कुछ और हैं जो पद हैं, एक्स वाई जेड है, इसमें केवल एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई जेड है, ये अलग हो जाएगा। इसका हिंदी में बोलते हैं चर पदों का गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स। देखिए इधर इसमें क्या होता है, एक नियम याद कर लो, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। क्या होता बच्चा? गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, घाते जुड़ जाती हैं, बस यही याद रखना, आप पार हो जाओगे। देखो जिस पे कोई घात नहीं होती उस पे एक घात माना जाता है ना, तो क्या इस पे एक एक घात है, जब गुणा करोगे तो यक्स का पावर ये 1 और ये दूसरा वाला 1 जुड़ जाएगा, इस तरह से यक्स का पावर 2 हो जाएगा, जिसे आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में एक्स का स्क्वायर बोल सकते हो मैथमेटिक्स में, है ना, वैसे तो यक्स का घात 2 या यक्स 2 बोल सकते हो, लेकिन इसको अक्सर स्क्वायर बोलते हैं, और 3 घात होती तो क्यूब बोलते हैं, लेकिन अगर 4 या 5 होती है तो ऐसे बोलते हैं x⁴, x⁵, या फिर देसी भाषा में बोलते हैं x⁵, x⁶। हाँ इसमें क्या करोगे, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल है यहाँ पर यक्स उसको लिख लोगे, जो घात है पहले पर 2 और दूसरे पर 5 इसको लिख दोगे, ये जुड़ के हो जाएंगे बच्चा कितना, x⁷। आप इसको फटाफट नोट कर लो, और ये सवाल आपके लिए है, आपके पास पहुँच चुका है ना। देखो बहुत आसान होता है, बस आप एक बात याद रखो, जो यहाँ पर नीचे लिखी है गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सावधानी भी आपको बरतनी होगी, उसके लिए आपको हम सतर्क रहने के लिए बोलेंगे, तो भैया सतर्क रहो उसके लिए, बिल्कुल रेडी रहो। देखो कैसे है वो सतर्क ये रहना है कि गुणा करने पर घातें उन्हीं पदों में जुड़ती हैं जो सजातीय पद होते हैं। अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हो अभी तक 18, 19, 20, तो उसको देख लो 21 तक, उसमें सब सिखाया गया है। यहाँ पे देखो सभी अलग अलग पद हैं, विजातीय पद हैं, तो ये मत सोचना इसमें घातें जुड़ जाएंगी, भैया इसमें तीनों अलग अलग पद हैं, तो इनका गुणा करोगे तो इनका उत्तर भी एक्स वाई जेड आएगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये मत सोचना कि एक एक घात जुड़ के 3 हो जाएगी, जैसे यहाँ 2 हो गई, यहाँ 7 हो गई, वो अलग अलग हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, आज के इस जहरीले ज़माने में समझ लो कि वो अलग अलग समुदाय के हैं, क्योंकि आजकल लोगों के मन में इतना जहर घोल दिया गया है ना, ये नेताओं और जो अपना खुद का निजी स्वार्थ वाले हैं ना, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है, वो क्या क्या नहीं, मतलब शिक्षा का एकदम महत्व तो ख़त्म कर दिए यार। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपसे निवेदन है इसके बारे में सोचो, आप सभी एक इंसान हो, और दूसरा नंबर अगर भारत की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आप बेरोजगार हो, है ना,
तो भैया इस बात को याद रखो, अगर पढ़े लिखे हो, बाकी नहीं तो इस दुनिया में जो माहौल चल रहा है ना, पिस जाओगे इसी में, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। चलो आगे चलते हैं बात नहीं करते हुए, ये हो गया। अब देखो इसमें कई तरह के चर होते हैं जिनका गुणा किया जाता है, घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। इसमें दो है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है इससे, ऊपर वाली घात से। हाँ, इससे इतना मतलब है कि जैसे इसका गुणांक वन है ना, कुछ नहीं है तो ये दो का गुणा वन में इसमें होगा, गुणांक का गुणांक में होगा, तो दो एकम कितना हो जाएगा, दो। जो चर है यक्स वो ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद जो घातें वो जुड़ जाएंगी, वन घात ये और प्लस वन घात ये, तो भैया ये फाइनल में आपका हो जाएगा 2x2। देखो ये वन वन जुड़ के टू हुआ है, ये होता तरीका, आप समझते जाओगे ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो कुछ छात्र बोलते हैं कि सर आप बहुत छोटी क्लास देते हो। भैया देखो आप लोग क्लास को ज़्यादा देर देखते नहीं हो, मैं देखता हूँ ना, कोई 5 मिनट देखता है भाग जाता है, जैसे लगता है उसके लगी है सुबह सुबह जल्दी से, मतलब क्या बोलूँ आगे, हाँ पूरा क्लास नहीं देखते हो। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो लगता है कि बहुत अच्छा वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम यूट्यूब पर पढ़ाएँ और हम भी आपके सामने रोज आएँ और रहें सकुशल, तो आप लोग वीडियो डाउनलोड ना किया करो, निवेदन है आपसे, ऑनलाइन देखा करो भैया। हाँ ऑनलाइन देखोगे बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये बी तक सी तक वहाँ हो गया था, ये डी है, ये ई हो जाएगा। चलो वीडियो सब मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाओ, डाउनलोड ना करो एक भी, प्लेलिस्ट बनी है, सीरियल वाइज देखो, सभी मिलेगा एक तरफ से है, नहीं मिलेगा नंबर दिया गया, संपर्क करो। चलो 3x ये -2 इंटू, अगर x7 हो गया इंटू x-5 हो गया, इसका मल्टीपल करना है। अगर पद समान है सभी में x x है तो आप बड़े आराम से कर लो, घाते जुड़ जाएंगी। तो सिंपल सी बात है बच्चा, ये कितना हो जाएगा 3x घाते, ये माइनस का 2, जैसे है वैसे माइनस लगाओगे, फिर ये प्लस जुड़ना है घात 7, और फिर प्लस ये माइनस का 2 है तो माइनस का मतलब 5 जो भी है। अब इनका आपको कैलकुलेशन करना, हल करना है। देखो ये माइनस घात है, हाँ ये प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनल में अगर हम देखें तो ये 2+7-5 आएगा, है ना। हमेशा प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस कभी भी नहीं जुड़ता, प्लस में घट जाता है, तो ये आपका माइनस माइनस जुड़ जाएगा। मैं हर एक स्टेप को आपके सामने लाऊं तो ये हो जाएगा भैया 5 2 कितना हो जाएगा 7 और प्लस 7। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे बच्चा तो 3x घात 0 आएगा, और किसी भी चर पद पर अगर घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी आप इसको 3×1 लिख सकते हो, फाइनल में इसका मान 3 आएगा। किसने सोचा था कि इसका मान 3 आएगा, देखो 3 आ गया ना। ये होता हल करने का तरीका, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। देखो ये माइनस घात थी वैसे मैंने लिख दिया, ये प्लस, हाँ कुछ नहीं लगा था तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस। हल करोगे ब्रेकेट खुलेगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस जोड़ दोगे 7 और ये प्लस का 7, इस तरह से आप लिख लो, हो गया क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, आप सभी इनको लिख तो चलो फटाफट। और ये वीडियो इस समय सुबह आ रहा भैया कितना बजे से, 7-6 बजे से। देखो बच्चा जिनको नहीं दिखता नीचे ना, वो टेंशन ना लें, हम सब दिखाएंगे, बस आप कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, अपना नाम जरूर बताओ और कौन कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, अपने शहर का नाम भी बताना, जिससे कि थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे इतने दूर दूर से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। और सुबह ये वीडियो इस समय टाइम बदल गया है कुछ दिन से, तो 6 बजे आ जाता है, 6 बजे आप लोग आओगे फटाफट, आपको क्लास मिलेगी। देखो ये मत सोचा करो कि वीडियो है कि लाइव है, भाई बहुत कुछ इसमें मेहनत होती है, आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव से ज़्यादा मज़ा मिलता है, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो कि वीडियो है कि लाइव है, क्या है हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, फलाना ढकाना, ये मत सोचा करो, इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो यार, हाँ ठीक है। चलो ये इस तरह का अगर है, इसमें एक्स लगा है, 5 लगा है, आप कहोगे भैया यहाँ पे भी एक्स लगा है तो क्या करोगे, मल्टीपल करना है, जल्दी से कर लो, सिंपल सा यार। देखो आप फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में मल्टीपल करो, पहले 3/2 है, इसको 3/2 लिख लो, गुणा करना है, 1/5 है, आप 1/5 लिख लो, ये जो भी वेरिएबल्स वाला है उसको साइड में निपट लो, ये x5 है और ये 1 है, तो भैया x5 और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये किनारे हो गए साइड में, इसका गुणा करोगे आप जानते हो, 3×1=3 और ये 2×5=10 और x की घात ये हो जाएगा 6, फाइनल में आपका हो जाएगा 3x6/10, ये आपका आंसर हो गया, आप इसे लिख सकते हो। इस तरह से जो भी वेरिएबल्स के मल्टीपल होंगे वो आप कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद हम इधर साइड में चलेंगे, देखो अगर हम क्लास बहुत छोटी कर देते हैं, आप कहते हो यार क्लास बड़ी छोटी कर दियो, देखो कुछ होमवर्क आपके लिए लिख दिया गया, आप इसे नोट कर लो फटाफट, और हाँ उसके बाद आगे चलते हैं, इसे जल्दी से लिख लो तीनों। देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था कि सर जो बगल में रखे रहते हैं पढ़ाते हैं वो क्या है, देखो इसको मैंने आपको दिखाया था बच्चा बहुत पहले,
ये YouTube की तरफ से आने वाला एक सिल्वर अवार्ड होता है, जब किसी भी चैनल पे 1 लाख से अधिक बच्चे हो जाते हैं या सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वो चैनल YouTube के नियम और जो उनका कानून सिस्टम है उसके अनुसार चलता है तो ये मिलता है। ये यूनाइटेड स्टेट से आता है, नहीं अमेरिका से आता है, जहाँ का आपका जानते हो YouTube है। तो इसको मैं रखा हुआ था, पिछले 1 साल से मिला हुआ है, मतलब 1 साल नहीं तो लगभग 5-6 महीने हो गए। तो लेकिन एक दिन एक हमारे मित्र आए, उन्होंने कहा कि भैया ये जो मिला था सिल्वर अवार्ड उसको कहाँ रखे हो? तो मैंने कहा वो अलमारी में तो पड़ा है। तो बोले उसको इसीलिए लिए हो, कहा इसीलिए आया है, उसको यहाँ पे रखा करो, कम से कम बच्चे तो देखा करें, तो इसलिए यहाँ पे उनकी कृपा से आने लगा। बाकी तो मैं इसको रख दिया था, पड़ा हुआ था, आपने इसको पहले नहीं देखा होगा, बहुत दिन से आया हुआ ये, लेकिन रखा हुआ रहता था, है ना। तो इसको मैं टेबल पर यहाँ पर रख देता हूँ तो आप लोगों को दिखता है, इसे नोट कर लो। ये तीनों होमवर्क है आपके लिए, नहीं आएगा तो बता देना, आगे भी कुछ होमवर्क हम आपको देते रहेंगे, आप लिखते चलो फटाफट, हो गया ना, जल्दी करो। देखो इसको नोट करते चलो फटाफट, आपके लिए होमवर्क है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया होमवर्क नहीं देते हो, होमवर्क नहीं देते हो, तो मैं होमवर्क बिल्कुल दे रहा हूँ, पूरा दे रहा हूँ, आप नोट करो फटाफट, जल्दी करो। इसमें आप पढ़ोगे चर पदों का भाग करना, डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स कैसे होगा, बहुत ही प्यार से देखना, ध्यान से देखना। देखो जैसे अब तक आप लोगों ने सीखा होगा, बचपन से ही आप सीखते आए हो कि बच्चा अगर 3 का भाग करना है 9 में, तो आप जानते हो कि 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 3 2 6, 3 3 9, है ना, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। तो बच्चा आप देखो ये 9 कर लोगे आप, ये आपको आता है, आपने घटा के 0 लिख दिया, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़े हो बचपन से। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैंने 15 लिख दिया और 2 का भाग बोला, तो आप बोलोगे गुरुजी 2 7 14 होगा, 1 शेषफल आ जाएगा, ये तो मैं पहले से जानता हूं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुसीबत तो तब आएगी जब मैं बोलूं कि यक्ष का भाग करो यक्ष का स्क्वायर में, आप कहोगे यक्ष का भी पहाड़ा होता है क्या, ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये कौन सी नई बात बता रहे हो। तो मैं वही नई बात आपसे बताने वाला हूं, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना। देखो पहाड़ा होता है, यक्ष का भी पहाड़ा होता है, वाई का भी होता है, जेड का भी होता है, ए बी सी डी सबका पहाड़ा होता है। अब आप कहोगे क्या आप मुझे ए बी सी डी का पहाड़ा याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको पहाड़ा नहीं याद करना है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट 22 देखा है, ध्यान से पूरा देखा है, तो आप समझ गए होंगे जब हम किन्हीं भी वेरिएबल्स का मल्टीपल करते हैं बच्चा, तो घाते जुड़ जाती हैं हमेशा, 1 1 क्या होंगी 2 हो जाएंगी, यानी गुणा करने पे घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो, उसी तरह से भाग करने पर घाते घट जाती हैं, समझ गए ना। वो मैं आपको बताऊँगा, दोनों तरीके से इसको बताऊँगा। देखो इधर साइड में, पहले तो आप ये एक छोटी सी बात समझ लो कि चाहे आप 5/3 लिखो, हाँ, चाहे तो आप 5:3 लिखो, और चाहे तो आप 5 और ये भाग का चिन्ह लगा के 3 लिखो, इन तीनों का मतलब एक है। बोलो है कि नहीं, जानते हो कि नहीं, चाहे ये बटे के रूप में है, अनुपात के रूप में, या भाग के रूप में, तीनों का मतलब एक है, तीनों एक ही जैसे है, मतलब तीनों का सिस्टम एक ही है, आपको इसमें कोई अंतर नहीं नज़र आना चाहिए। तो ये आप जानते हो, ऐसे इसमें भी देखो हम आपको तीनों रूप में इसको बताएंगे। देखो यहाँ पे कैसे, हम पहले भाग वाला रूप ले चलेंगे, हमें क्या करना है, यक्ष का भाग करना है कि यक्ष का स्क्वायर आ जाए। अब देखो जैसे आप जानते हो कि अगर हमें 12 लाना है तो 3 से भाग करना है, तो हम कहते हैं कि 3 का भाग करो बच्चा 12 आ जाए, तो आप कहते हो 3 चौका 12, लेकिन वो मिलता कहाँ से आपको, कहाँ से मिलता है, बता रहा हूँ मैं। देखो ऐसे नहीं मिलता कि मैं पहाड़ा याद था ना, पहाड़े से नहीं मतलब है। हम क्या करते हैं, 3 का हम ऐसे सोचते हैं कि बोलो किस गिनती में गुणा करें कि 12 आ जाए ना, ये डॉट डॉट एक खाली जगह होती है, मान लो इसकी जगह हमने P लिख दिया। अब यहाँ क्या करना होता है, हमें P का मान निकालना होता है, बोलो होता ना बच्चा, होता है ना, यानी P इक्वल क्या हो जाएगा, 12/3, इस तरह से आएगा ये 4, यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर कितना जाएगा, 4 जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ 12 आ जाएगा, इसे आप जानते हो। तो वही फंडा आप यहाँ अपनाओगे, आपका ये P इक्वल 12/3 आया ना, यानी जिसमें भाग करना था ऊपर आ गया, जिससे भाग करना था नीचे आ गया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स का स्क्वायर बटे यक्स लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, बहुत ही जी है ना। तो आप ये बताओ मुझे, यक्स का स्क्वायर अगर आपने गुणा देखा था तो आप जानते होंगे ये यक्स इंटू यक्स का परिणाम है, ये है ना। अगर इसमें से मैं एक एक काट दूं, आप सीखे होंगे 2 2 4 वाला मामला जो होता मैटर ना, हाँ, तो बच्चा क्या बचेगा, यक्स बचेगा ना, यानी फाइनल में इसका उत्तर तो यक्स आएगा, कितना आएगा, एक्स आएगा, यानी ऊपर कितना जाएगा, एक्स टाइम जाएगा, तो नीचे एक्स का स्क्वायर आएगा, ये कट के 0, मतलब ख़त्म हो जाएगा। समझ में आई ना बात, ये है शून्य से शिखर वाली मैथ बच्चा,
यहाँ से कोई नहीं बताता, आपको याद रखना। अगर समझ में आ गया ना तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, बिल्कुल देर मत करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना, नहीं तो आज आप बहुत बड़ी उम्मीद छोड़ दोगे यहाँ से। ठीक है, जल्दी से कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से, तो इसके जैसे मैं आपसे एक और सवाल करवाता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सफलता आत्मविश्वास से मिलती है, आत्मविश्वास भी आत्मसम्मान से आता है, और इसके आगे वाली लाइन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इस समय वो ट्रेंड में चल रही है। हाँ, आप बताना अगर आपको याद है, चूँकि मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ। अब देखो क्या है, अगर हमें यहाँ पर वाई सा भाग करना है स्क्वायर में बच्चा वाई से, तब क्या होगा? आप बहुत ही आराम से प्यार से समझ जाओगे क्या होगा, जानते भी हो, चिंते भी हो, है ना। जैसे अभी मैंने x वाला किया था, वैसे यहाँ पे आप y लिखोगे तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, सबट्रैक कर लोगे, ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। अभी तो कहोगे गुरुजी तो जीरो लेवल में ढकेल रहे हो, आगे कब बढ़ोगे? तो आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ से देखो, देखो ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से देखना, प्यार से देखना भाई, देखना मगर प्यार से, है ना। देखो कैसे, इसमें क्या है, इसमें हमें यक्स का भाग करके यहाँ पे हमें क्या लाना है, 3x² y लाना है। हमने अभी अभी आपको मेथड सिखाया, रूल सिखाया कि हमें जो भी लाना है उससे नहीं मतलब है, हमें जिससे भाग करना है उसको हम नीचे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, इस रूप में लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई विपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा आप क्या कर सकते हो, इसको 3 x x y लिख सकते हो, और इसको आप यक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। x से x को आप काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, आपका ये 3x बचेगा, इसके साथ एक y भी बच जाएगा, बचेगा ना बच्चा, क्या बचेगा, 3xy, बोलो बचेगा ना, बचेगा ना। तो क्या आएगा ऊपर, आपका ये 3xy आएगा, इस तरह से आपका फाइनल में 3xy आएगा, ये कट के जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ये होती है चर पदों की भाग, और ये होता है शून्य से शिखर वाली क्लास, जिसके लिए आप रहते हैं बेताबी से इंतज़ार में, है ना, समझ गए ना। तो समझ गए हो तो जल्दी फटाफट जी वीडियो को लाइक तो करो यार ना, प्लीज़ करो, जल्दी से करो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब हम आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम बहुत लंबा लंबा खेल जाएंगे ना, तो फिर आप कहोगे यार ऐसे तो ये भी पढ़ाते हैं, वैसे सब पढ़ाते हैं, तो मतलब थोड़ा अंतर तो बना रहना चाहिए ना हम में और लोगों में, जो आपको बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग काहे लिए PBR स्टडी में आते हो, मतलब कुछ तो अंतर होना चाहिए ना यार। चलो देखो यहाँ वो अंतर आपको दिखता रहेगा, ये 14xy का स्क्वायर बच्चा, इसको आपको भाग करना है किससे, यक्स से। इसका उत्तर आप हमें खुद बताना, ए नंबर में दे रहा हूँ, बी नंबर, ये होमवर्क है, इसको करोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसको होमवर्क करना। हाँ, ये क्या है, 3x² इसमें आपको भाग करना है किससे करना है, ये लो करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, 3 × 21 कर लो बच्चा, यहाँ पर लिख दो x³, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, करना और बताना हमें, जैसे आपके समझ में आएगा वैसे बताना, नोट करो फटाफट। और एक बात ध्यान रहे, अगर आप पढ़ना चाहते हो YouTube पे बिल्कुल फ्री में, तो आपसे निवेदन है वीडियो को डाउनलोड ना करो, कतई डाउनलोड ना करो, ऑनलाइन देखो और वीडियो को लाइक करो। अगर आप डाउनलोड करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वीडियो आपको हमारे नहीं मिलेंगे, याद रखना और विश्वास करना इन बातों पे, ठीक है, इसलिए डाउनलोड कतई ना करो। अगर कोई समस्या है तो आप नंबर पे संपर्क करो, आपको अगला स्टेप बताया जाएगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि हम वीडियो को YouTube पे डाउनलोड कर लेंगे और रखे रहेंगे, लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे, तो बच्चा ये गड़बड़ है, ठीक है, ये मत करो, इससे जो है हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है, जो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ डायरेक्ट रूप से। आप चलो, ये 4 सवाल आपके लिए हैं, इनको आप घर से करना और उसके बाद फिर हमें बताना जैसे आपके विचार रहेंगे। छात्रों, आज हम मुख्य रूप से ये लेके आए हैं कि समीकरण में किसी संख्या या पद का गुणा कैसे करते हैं। अब आप कहोगे ये क्या समीकरण लिखे हो क्या, समीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, त्रिघात समीकरण होते हैं, 4 × 5 बहुत प्रकार के होते हैं यार। तो ये एक प्रकार से समीकरण है, या आप इन्हें बीजीय व्यंजक मान लो, समीकरण ना मानो, लेकिन आपको इस तरह के सवाल कैसे सीखने हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। क्लास को एंड तक देखना, कभी बीच में इसकी मत करना यार, लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ओके। ताकि चर पदों का गुणा कैसे करते हैं, आपने वो भी सीखा था कि जब हम किसी समान समान चर में गुणा करते हैं, जैसे यक्स का यक्स में करते हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, ये आप सीखे हो। अगर हम किसी भी अचर पद में गुणा करते हैं किसी भी चर पद से, तो दोनों एक साथ मिलकर के भाई भाई हो जाते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता, मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, दोनों के बीच से चिन्ह हट जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं, बस ये सीखे हो ना। तो बस यही तो काम आने वाला है यहाँ पे यार,
तीन का गुणा करोगे x में, आप जानते हो क्या होगा, 3x होगा। और तीन का गुणा क्या करोगे, एक ही में करने से काम नहीं चलेगा। अगर घर में आप एक गार्जियन है, आपके दो बच्चे हैं, तो आप कोई चीज़ लाओगे तो दोनों के लिए लाओगे, ड्रेस लाओगे दोनों के लिए लाओगे, नहीं तो लड़ाई करेगा एक, फिर वो कहेगा कि पापा मम्मी उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझको तो एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। तो ऐसा मत करना। हाँ, तो तीन का गुणा इसमें हुआ तो इसमें नहीं करेंगे तो ये गुस्सा आ जाएगा। तो भैया बीच में प्लस लगा, इसमें लगा के तीन का तीन में करेंगे क्या होगा, 9। ये आपका हो गया आंसर, इतना ही तो करना था ना। अभी ये आगे कहानी बढ़ेगी, लंबी होगी, देखना। ऐसे मत सोचना कि ये तो बहुत आसान है, फालतू बता रहा है यार इसको, ये पागल वागल है का। तो ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। चलो आगे देखते जाओ क्या होता है, कैसे होता है सब देखो। इसको करोगे आप तो क्या होगा, सोचो। इसमें 9 का मल्टीपल x का स्क्वायर में करना है। तो देखो बच्चा, मैंने आपको ये सब गुणा वाले चैप्टर में बताया था, 22 नंबर पार्ट आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह की संख्या क्या है, ये एक चर पद है, चर है, अचर पद है, ये चर पद है। हाँ, तो जब चर और अचर का गुणा करते हैं तो ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं भाई भाई, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। आप देखते होंगे, सुने होंगे, चोर चोर मऊसेरे भाई होते हैं ना, वैसे ही। तो ये कितना हो जाएगा, 9x का स्क्वायर, और 9 का फिर 1 में मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, 9×1=9। तो सिंपल सी बात है, प्यार से आप इसको 9 लिख लोगे, ये आपका आंसर हो गया। है ना, कितना आसान, मज़ेदार है ना। आप चलो इस पे बात करते हैं, लिखते चलो इसको फटाफट। और हाँ, एक और भी रिक्वेस्ट होगी, अगर बच्चा इसे YouTube पे देख रहे हो तो वीडियो को डाउनलोड कतई मत करना, YouTube पे ऑनलाइन देखना, अगर अगला वीडियो भी चाहते हो इसमें का। तो अगर चाहते हो यहीं तक बस है तो फिर डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर डाउनलोड करोगे तो अगला वीडियो कतई नहीं मिलेगा, याद रखना। और अगर मिल भी गया भूल चूक से ना, तो ये मत सोचना हम नहीं देख रहे, हमारी टीम उसे ज़रूर देखती है, और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए डाउनलोड मत करो, निवेदन है आपसे, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। चलो, x का इसमें मल्टीपल करोगे क्या होगा, देखो x का यक्स वाई में मल्टीपल करो या वाई एक्स में करो, मतलब एक है। तो इसमें सजातीय पद यक्स है, इसमें भी क्या है, यक्स है, तो यक्स का मल्टीपल x में होगा। तो सीधी सी बात है, ये दोनों एक ही जैसे हैं तो इनकी पावर बढ़ जाएगी। हाँ, एक जैसे मिलते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, दो ईमानदार हैं अगर मिल गए ना तो उस क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लेकिन दो जो चोर टाइप के दो मिल गए ना, कहेंगे चल भाई ठीक है अच्छी बात है तू मिल गया, बहुत लूटे खाएंगे हम लोग, है ना। तो इनकी क्या हुई, पावर ऐसे बढ़ गई। ये वाई अकेला था, ये बगल में वैसे लटका रहेगा, यानी यक्स स्क्वायर वाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई। देखो इसमें खुद एक आंसर है अलग अलग ना। अब इस एक्स का मल्टीपल 7 में करोगे, चूंकि ये कोष्ठक लगा है, ये दोनों एक घर में है, तो बीच में साइन है प्लस का, प्लस लगा दो, ये 7x, नोट कर लो फटाफट। देखो बहुत ही आसान है ये, मैं क्या बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि समीकरण या फिर बीजीय व्यंजक का गुणा कैसे किया जाता है, मैं आपको यही तो सिखा रहा हूँ ना, हो गया ना इतना। अब देखो अगला, देखो यहाँ पर, देखो प्यार से, देखो बहुत ही अच्छे से, देखो इसमें क्या है, कहानी समझना पूरी। देखो आप बहुत बड़ा वीडियो हो जाने पे उसे देखते नहीं हो, इसलिए हमारी ये भी कोशिश होती वीडियो बड़ा भी ना हो। हाँ, इसको भी करना यार, देखो समझो क्या है, 3x^5 × x^7 में गुणा करना है। हम जानते हैं गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, 3 का गुणा करोगे, इसमें गुणांक 1 है तो क्या होगा बच्चा, ये 3 होगा ना। यक्स की घात यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 7×5=12 होता है, तो आपका यक्स का घात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ, यही तो होगा ना। बीच में क्या है बच्चा, यहाँ पे प्लस का साइन है, आप प्लस लगा दोगे, और 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9 हो जाएगा, यक्स की घात ये 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएगा, 9x^7 हो जाएगा। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई ना, तो लिख लो फटाफट, जल्दी करो। हाँ, हो गया ना इतना, ओके। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बताओ, जल्दी बताओ। इतना आ गया ना। अब देखो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा यहाँ पे, उसे भी लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो और घर से करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओ इसमें, मास्टर बन जाओ मैथ में, फिर आपको ये ना कहना पड़े कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है, इसलिए मैंने शून्य से शिखर तक वाला ये शुरू किया कहानी। तो जल्दी से फटाफट होमवर्क लिखो, अगर आप चाहते हो इन क्लास को बड़ी बड़ी देखना, लंबी लंबी एक एक दो दो घंटे की, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करो, ऊपर नंबर दिया गया उन पे संपर्क करो, पूरी प्रक्रिया समझो और फटाफट ज्वाइन कर लो बच्चा। हाँ, ये होमवर्क है, होमवर्क नहीं करोगे ना तो निकम्मे कहलाओगे, दुष्ट टाइप के बच्चे कहलाओगे भैया, तो अच्छे बच्चे बनो, मतलब हमारी बात का बुरा मत मानना, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे बच्चे बनना, होमवर्क ज़रूर करना। देखो इधर में, समझ में आ रहा ना ये सब क्या हो रहा है, इनका गुणा करना, आपको मल्टीपल करना है और बताना है, बताओगे कहाँ, नंबर पे मत भेजना, निवेदन है आपसे, चूंकि नंबर मैं नहीं देखता हूँ, नंबर हमारे मित्र देखते हैं,
आप हमें कमेंट करना है इसमें, क्योंकि कमेंट मैं देखता हूँ और आपका जो भी आंसर रहेगा ना उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में आना, कमेंट करना। YouTube ने ये कमेंट का ऑप्शन इसीलिए तो बनाया है, और अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हो तो वहाँ भी कमेंट होगा, वहाँ भी कर देना। हाँ, अगला भी लिख लो। देखो, जो ये प्रीमियम वाली सर्विस होती है ना बच्चा, उसमें आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, मतलब आप समझ सकते हो हमारा हम कहना क्या चाहते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र भारत में हैं, जो मर्जी वो करें। 5 सवाल घर से करना और फिर हमें बता देना, जिसमें आप थोड़ा सा हार्ड टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अगर दो आपको इस तरह से इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हें आप बोल सकते हो, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, आप बीजगणितीय व्यंजक, तो इनका गुणा आप कैसे करोगे, इनका गुणा आप कैसे करोगे, एक प्रकार से समीकरण के मूल हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इजी बहुत है ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें क्या करते हैं ना बच्चा, पहले एक पकड़ते हैं, जैसे मैंने यक्ष लिया ना, तो इससे बारी बारी से क्या करेंगे, इनमें दोनों में गुणा करेंगे, समझ गए, जो आएगा उसको लिख लेंगे। तो चलो हम करते भी चलते हैं, सिर्फ बोलते ही नहीं अकेले। हाँ, एक्स का मल्टीपल पहले तो आप किस में करोगे, नंबर एक इसमें करो, नंबर दो नीचे वाले में। हाँ, एक्स का पहले एक्स में करो, आप जानते हो गुणा करने पे घाते जुड़ जाती हैं बच्चा, तो मैंने कर लिया एक्स का एक्स में, हम बहुत इसको ओपन करके दिखाएंगे आपको। फिर हमें क्या करना है, एक्स का मल्टीपल 2x किस में करना है बच्चा, एक्स का किस में 2 में करना है। मैंने प्लस क्यों लगाया, चूँकि जिसमें मैंने गुणा किया उसके बाद प्लस लगा था तब ये था ना, तो मैंने इसलिए प्लस लगा के एक्स का आप 2 में करूँगा तो ये होगा। इतनी तो आपकी बात पूरी हो गई, इतना लंबा हो गया ये। अब आप क्या करोगे, इसका दूसरा पद पकड़ो और इनमें दोनों में गुणा करो। ये होती इसकी कहानी, आप समझ गए होंगे, अगर तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। देखो, 1 को पकड़ के x में मल्टीपल करो तो 1 × x होगा, और बीच में प्लस है तो प्लस। दूसरे स्टेप में बच्चा 1 को पकड़ के 2 में मल्टीपल करो तो 1 × 2 होगा, ये आपको अच्छे से पता है, सीख गए हो ना। अब पूरी कहानी आपको आ जाएगी। देखो, x का x में करोगे x का स्क्वायर प्लस 2 का x में करोगे बच्चा 2x, x का 1 में करोगे x और 2 का 1 में करोगे तो 2, ये होगा आपका पूरा क्या होगा, एक प्रकार का समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पर अभी दो जो हैं वो क्या हैं, एक लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद हैं, इनको आप जोड़ लोगे तो x का स्क्वायर प्लस ये आपका 2x और 1x जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2, बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हो। हाँ, अगर कोई मन में सवाल है तो बता देना। एक बात और बता दूँ, अगर आप द्विघात समीकरण के मूल निकालना जानते हो बच्चा ना, इनके मूल निकाल दो, यही आएंगे दोनों फिर से, समझ गए ना, गुणनखंड करना जिन्हें बोलते हैं। मूल तो इसमें निकालोगे, फाइनल में तो -1 और -2 होगा, ये क्या है, इनके गुणनखंड है। मतलब आप ऐसे समझ लो, इनका ये मतलब है कि अगर आपको कहीं 3 और 2 दिया है, हाँ, तो कितना आएगा, 3 × 6 और 2 × 12 आएगा ना, 12 आएगा ना। तो हमने किया क्या, हमने यही किया कि 3 × 2 × 2 को गुणा करके 12 लिख दिया, बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पे किया, तो यह आइए 12 है, मान लो ये आपका 3, 2 और 2 है, मतलब है वही सब बातें। तो क्या है, ये जो है इनका गुणज है, हाँ, और इनके गुणनखंड ये दोनों हैं, मतलब समझ गए ना, ये अंकल जी हैं, ये इनके दोनों बच्चे हैं, हाँ, ये दोनों बच्चे हैं, इनके अंकल हैं, बस यही बात है। इनको लिख लो, फटाफट नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करते हैं अगले पर। ईमानदारी से देखो, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, कहीं मत जाना एक भी पल के लिए, जाना मत, ठीक है, लगे रहो बेटा, लगे रहो, फटाफट लगे रहो, कर ले जाओगे सब कुछ, नोट कर लो। देखो, मैं साइड से इधर से मिटाता हूँ चुपके से, थोड़ा हवा भी यहाँ लग रहा है, चूँकि आपको पता है हम लोग सब छोटे आदमी हैं, AC तो लगा नहीं यार, पंखा लगा है, गड़गड़ गड़गड़ चल रहा है बगल में इंजन जैसे, हाँ हो गया ना। चलो देखो, अब देखो इधर साइड में क्या होता है, ये मैं मिटा सकता हूँ ना, इसका कोई मतलब नहीं है, जो मैं बता रहा था आप सीख गए हो, नहीं लिख पाए ना, वीडियो को पीछे कर लो, फिर से लिखो। और एक बात याद रखना बच्चा, वीडियो को डाउनलोड कतई मत करना, यूट्यूब पे कहीं भी किसी जुगाड़ से डाउनलोड ना करना, नहीं तो आपको हमारे सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, आप मैथ नहीं सीख पाओगे। ऑनलाइन देखना, सारे वीडियो मिलेंगे, वीडियो को खूब शेयर करना, और
लाइक भी करना, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं रात्रि के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है ना यार कि नहीं बनता है? मानवता तो है ना थोड़ी सी नाम मात्र की, तो कम से कम इतना तो करो ना यार। गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं दे सकते हो आप एकलव्य की तरह, तो कम से कम शेयर तो कर सकते हो ना भाई, जिससे कुछ सीखने को मिलता भाई गुरु होता है, मानो या ना मानो। चलो इधर साइड में, हाँ अब देखो क्या है इसमें, क्या है एक्स का एक्स में मल्टीपल होगा, हाँ, और इसमें एक्स का 5 में होगा, ये हो गया तरीका ना। अब देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, वही जो मैं पिछली बार में बताया था वही करना है। हमने क्या किया, एक्स का एक्स में किया, आपकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा चूँकि आप सीख चुके हो, एक्स का एक्स में एक्स का स्क्वायर, एक्स का 5 में करोगे बच्चा तो ये 5x और प्लस, अब क्या करोगे देखो, 3 का एक्स में करोगे तो 3x, अब मैं 2 कलर में लिख रहा हूँ आपको अलग अलग नज़र आएगा, 3 का अगर आपने एक्स में कर लिया तो 5 में कर लो, तो 3 का 5 में करोगे तो 3 × 5 ये 15, ये आपकी कहानी हो गई पूरी। एक नया क्या बन गया, एक नया इक्वेशन बन गया जिसे द्विघात समीकरण आप बोल सकते हो, चूँकि 2 डिग्री इक्वेशन है ये। फाइनल में आप इसको क्लियर करोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ये 538x हो जाएगा और प्लस ये 15 हो जाएगा। लिख लो फटाफट, लिखते चलो और बताते चलो, अगर कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच उसे हमें बताओ, काम नहीं चलता बाबू ठीक है। आप अगर पूरा ऑनलाइन नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल कंताई बिल्कुल एक को मज़ा नहीं आता, रत्ती भर नहीं मज़ा आता है। आज हम देखेंगे घातांक का नियम, आसान भाषा में आपको 2 नियम बताएंगे, इसका अगला नियम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर 2 इस तरह के मतलब पद दिए गए हैं, इसको भी एक आधार मान लो, ये आधार कहने का ये मतलब आधार समान हो, आधार समान हो, घाते अलग अलग हों और उनका गुणा होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान हो, घाते अलग अलग हों, भाग होता है तो घाते घट जाती हैं। इसका एग्जांपल यहाँ देख लो, आपकी लाइफ में कहीं कहीं काम आ जाता है यार, जैसे अगर 5 का घात 3 है बच्चा, इसका गुणा करना है 5 का घात 2 में, इसका अगर आपको सलूशन निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे ना, 5 के घात 3 का मान निकालोगे 125 आएगा, 5 के घात 2 का मान निकालोगे 25 आएगा, 125 का 25 में गुणा करोगे तो इतना हो जाएगा, पलरी भर का बड़ा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना। क्या करोगे, रूल लगाओ, 5 घातें गुणा करने पे क्या होती बच्चा, घट जाती हैं, जुड़ जाती हैं ना, तो क्या होगा ये 2। देखो यहाँ जैसे यम और यन, देखो इसे ऐसे समझ लो आसान भाषा में, ये क्या है, ए है, ये भी ए है, इसको यम मान लो, इसको यन मान लो ना, जैसे वहाँ पे लिखा हूँ ना पहला वाला नियम, तो आपका ये हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5, हाँ, तो 5 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 5 का 5 बार गुणा करो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि 5×25 ना, 5×25 = 125, 5×6 = 625 और फिर 5 करोगे तब जाके कहीं कल्याण होगा, गुणा करके देख लो कितनी बार आएगा, कर लो देखो और बताना ठीक है। तो ये होता है क्या, घातांक का नियम। अब ये तो चीज़ आपको आता ही है, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि हाँ ये भी मैं बता दूं, ये देखो ये यही करना है, गुणा कर लो पूरे का, बस जो आएगा लिख देना, ये आपका हो गया गुणा वाला नियम। अगर हम बात करें भाग वाला, तो भाग वाला भी वैसे होगा, गुणा करने पर घाते जुड़ गई, भाग करने पर घाते घट जाएंगी। कुछ लोग गरिया रहे होंगे कि पूरा नहीं बता रहा, चलो पूरा बता देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो 5×25 = 125 ना, 25×4 = 100, 25×5 = 125, 25×6 = 125 का जब बच्चा गुणा करोगे 5 में तो 625 होगा ना, हाँ 625 में 5 का गुणा कर लो, 6×5 = 30 और 6×2 = 12, 3×3 = 15, हासिल 1, 6×3 = 18, 1 = 19, कुछ गलत हो रहा है क्या, देखो 5 से कर लो, 5 से इसमें गुणा करोगे तो 5×25 = 5 हासिल 2, 5×2 = 10, 2×12 हासिल 1, 5×6 = 30, 1 = 31, ये होगा, हाँ 31×25, ये हुई इसकी कहानी। इसी तरह से आप कोई भी कर सकते हो, फिलहाल हम जो मुख्य बातें लेके आए हैं उन पे चलते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, नज़र से देखो बड़े प्यार से, देखो अब क्या होने वाला है। हाँ आप क्या करेंगे, अब यही नियम अप्लाई कर दो नीचे घात वाले घटाने वाले पे, लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट जैसे हो जाए। और हाँ एक बात याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, वीडियो YouTube पे कतई मत डाउनलोड करना, अगर आपको वीडियो नहीं मिलता किसी कारण से आप परेशान मत होना, ऊपर नंबर दिया गया, हमें आप संपर्क करना, आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन अगर आप वीडियोज को डाउनलोड कर लोगे, कोई व्यूज नहीं आएंगे,
तो भैया कुछ नहीं होने वाला, फिर आपके भगवान ही भरोसे हूँ। हाँ हाँ बस हो गई कहानी ना, यही जहाँ वहाँ गुड़ा था यहाँ भाग हो गया, जहाँ यहाँ जोड़ था वहाँ घटाना हो गया। तो बच्चा ये पाँच की घाते तीन में से दो घटा हो गया एक आएगा, इसका मतलब पाँच आएगा, बस इसका उत्तर पाँच हो गया। कितना बड़ा अंतर हुआ ना, उसमें तो 3125 आया था, इसमें तो सिर्फ पाँच आ रहा है ना। तो ये चीज़ें आप समझो, नोट कर लो फटाफट। इस तरह से बहुत सारे अभी टॉपिक बनते हैं, वो सब मैं इसमें क्लियर करूँगा, लेकिन आप क्लास में बने रहना, जाना मत कहीं बच्चा। हाँ नहीं, भागना मत। देखो बातें क्लियर हो रही ना? हाँ हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। आगे देखता हूँ फिर क्या होता है। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ जितना भी पूरा होता जाए। ये था आपका कि गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घाते घट जाती हैं। लेकिन इतने से अभी आपके दिमाग में पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है अभी, थोड़ा बहुत बाहर घूम रहा है बाल के ऊपर ना, तो जिनके बाल तो छोटे हैं उनके तो आ गया होगा। अब देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि बच्चा आपसे कहा जाए यक्स की पावर 5 और गुणा कर दो भैया एक्स की पावर 7 का, इसमें भी आप यही नियम लगा दोगे, इसमें यक्स है वाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो नीचे वाला जो बेस है वो इक्वल है ना, तो आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे यक्स का पावर 5-7 यानी यक्स घात -2। हाँ भाई उल्टा घटाओगे माइनस में आएगा, और जब घातें माइनस में होती इसका मतलब होता है यक्स का स्क्वायर, ये नीचे है गर्त में गया, इस वजह से ऐसा माइनस है। हाँ हो गया ना कितना आसान। तो ये क्या था, मैंने तो सत्यानाश कर दिया यार यहाँ पे, है ना। कैसे देखो बताया कुछ और था ना, ये भैया ये करने पे घटता है, मतलब भाग करने पे घाते घटती है, सही है, कुछ गलत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप भाग करोगे गुणा नहीं। लिख लो जल्दी करो फिर हम आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं गुणा के रूप में। जल्दी करो नोट करते चलो, बिल्कुल देर मत लगाओ बच्चा, बिल्कुल देर मत लगाओ, फटाफट नोट करते रहो प्यारे। हाँ चलो देखो, अब ये तो हो गया जब हम कर रहे हैं क्या भाग, जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखो गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी, आपका ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 7-5 ये 12 आएगा, x की घात 12 इसका उत्तर होगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना, दिमाग चल रहा ना, बुद्धि दौड़ रही ना, बिल्कुल दौड़ेगी, काम करेगी, बहुत तेज़ी से काम करेगी, डोंट वरी। चलो तो इस तरह से आप कुछ लिख लो, इनको घर पे ट्राई करना, क्या करोगे मच्छर मारोगे नहीं बैठ के। देखो माइनस में है तो घटा लेना वैसे प्यार से। हाँ लेकिन नीचे वाला जो पद है वो बराबर होना चाहिए, याद रखना ये 18x है, इसमें भी 18x होना चाहिए, तभी ऐसा होगा अन्यथा नहीं होगा। इनके गुणा और भाग सब कर लेना, इसका भाग भी कर लेना बच्चा, ये डिवाइड बाई 3x घात -2 इसका भी कर लेना भाग में, नहीं तो कहो कि भाग में तो तुम लिखे नहीं रहे तुम काहे लिए करी भाई, तो कर लेना। फिर से गड़बड़ा रहे का, ये लो ये नए सवाल हैं, ये भाग के चिन्ह के साथ हैं, ये गुणा के चिन्ह के साथ हैं, ये आप घर से करोगे ट्राई करोगे, चाहे घरे बैठ के करना चाहे दुआरे बैठ के करना, लेकिन करना जरूर। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या है, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घाते घट जाती हैं, इसका कॉन्सेप्ट इसमें आपने सीख लिया होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप उसे हमें निसंकोच कमेंट करके बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे कि दूर किया जाए आपका डाउट। अगर आप इस क्लास को चाहते हैं कि हम देखें, बड़ी बड़ी क्लास चाहते हैं, रेगुलर चाहते हैं, हर दिन चले, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें, ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करें, जिससे कि हम भी डिजिटल बोर्ड वगैरह ला सकें, आपको आसानी से पढ़ा सकें। तो आप थोड़ा सा आपका सहयोग बहुत बड़ा क्रांति लाएगा यार, तो ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को साथियों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और बिना शेयर किए मत जाना, शेयर जरूर करना।